कर देता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, एक अटेंडेंस वाला काम करते हैं हम, और तब तक मैं आपको गिटहब की रेपो से लिंक सेंड कर देता हूँ। क्या बनाया था, ये क्या बनाई थी मैंने, ऑथेंटिकेशन था, गेट था, ये कंप्लीट सिस्टम बनाया ऑथेंटिकेशन का। ठीक है भाई, बेटा अब आप लोगों ने करना क्या, यहाँ सुन लें, ये मैं एयरफोर्स शेयर पर जैसे ही शेयर करता हूँ आपको बताता हूँ आपने क्या करना है इसका। आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है ऐसे, उस न्यू फोल्डर में जाके यहाँ सीएमडी ओपन करके लिखना है गिट क्लोन, और ये जो आपने ये कमांड लगाई थी ना, ये जो चीज है इसको लगा के एंटर कर देना है, बस पेस्ट करके एंटर कर देना, आपकी यहाँ फाइल आ जाएगी। जब फाइल्स आ जाए उसके बाद आपने क्या करना है कि वीएस कोड ओपन करना है और वहां जाके लिखना है npm और टर्मिनल ओपन करके npm स्पेस i लगा के एंटर मार दो। जब तक वो इंस्टॉल होगा तब तक हम अटेंडेंस वगैरह ले लेते हैं, और उसके बाद हम वहां, अब क्या होगा कि सेम कोड होगा जो मेरे पास है वो आपके पास, फिर सेम पेजेस पर सेम नाम, हर चीज सेम होगी ताकि आपको इस पर अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। अटेंडेंस ले लेता हूँ भाई मैं, अबीर प्रेजेंट, एहसान कुछ पता नहीं, अली ये तो मेरा ख्याल ड्रॉप हो चुका है, अनस चौहान, आरफा, फैसल हसीब, फरख जैन, हमजा नदीम, हसन कुछ पता है आ जाया था यूनिवर्सिटी, हया जब्बार ठीक है, इमरान अहमद ये भी हो गए, जाफर इस्माइल, लाइबा इमरान, शाहरैम, तलहा अहमद, तलहा की तो लीव चल रही है, मुजीबुर रहमान, नवीद अजीज, ओहद रजा, ओहद, अच्छा मैंने अनस की लगा दी अटेंडेंस, अनस आया नहीं है, मुझे वो रोज आता है ना, सागर उतवानी, शाहदेव अली, शहबाज, शाहजेद वो दोस्त का नाम है इसलिए, कहाँ है, शहनवाज उनर इनकी भी लीव है, शुहेब, तौसीफ, वकास नवीद कुछ नहीं पता, और वकास की कल की लीव थी, अना मेजाज। ठीक है भाई यहाँ तक तो ये बात हो गई, अब आगे चलते हैं, एयरफोर्स शेयर से ले लिया ये कोड, क्लोन कर लिया इन न्यू फोल्डर में, आ गई फाइल, अब वीएस कोड ओपन करो और npm i कर दो जी, मर्जी है, अगर यही वाला प्रोजेक्ट कॉपी करते हो सेम चीज चलेगी, क्योंकि मैं अभी ये साथ लेके चलोगे, बिल्कुल सेम किया था बस। ठीक है हम अपने प्रोजेक्ट पर आ जाते हैं, इस ऐप को रन करता हूं, कंट्रोल ये और npm स्टार्ट, सर्वर ऑन हो जाए, ओहद पानी तो ला दो, ठंडा होगा देखना, गला खुश्क हुआ है बहुत ज्यादा, क्या हुआ भाई शाहरैम, ये सिस्टम नहीं चल रहा, फैसल साहब आ गया आपके पास ये कोड, आप वायर लगवा दें, एक कोई वायर निकाल के इस पर लगा लें, सेम चीज आएगी, आपके कोड को कॉपी पेस्ट करें, जस्ट यही था bilal@gmail.com, और अगर पासवर्ड ओके होगा तो होम पेज पर आ जाएगा, और डायरेक्ट अगर मैं ऐसे यहाँ पर आऊँ तो ओके स्लैश लगाकर होम को लॉगिन करने लगूँ
शुक्रिया वाला फॉर्म को लॉगिन करने लगूंगा मैं तो क्या आ जाएगा? ऑथेंटिकेशन नहीं लगाई थी क्या कल? अच्छा ठीक 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 ठीक, ये अभी भी चल रहा है मेरे पास, है ना? एक चीज देखते हैं, लोकल फॉर्म मेरे पास तो ये चल रहा है। इसकी वजह क्या है? एक वजह मुझे याद आ रही है कि कल मैंने जो है कुकीज ऐड की थी अपने यहाँ सिस्टम में। नहीं सर, आपने उसकी वैल्यू ट्रू रखी है। अच्छा सही, नहीं आप लोग जब काम कर रहे थे तो मैं वैसे कुकीज मैंने इंस्टॉल कर ली थी अपने पास, वो बढ़ाने लगा था, आप लोगों ने स्टॉप करा दिया था, वो मैंने इंस्टॉल किया था तो वो वहाँ पर भी पासवर्ड सेव हुआ हुआ था। अब मुझे याद नहीं मैंने वहाँ से डिलीट किया था या नहीं, चेक कर लेंगे हम। यहाँ आ जाता हूँ मैं थोड़ा सा इसका साइज भी, ठीक है वो देख लेते हैं हम। ट्रू इसको डिफॉल्ट पे कर देता हूँ, फॉल्स, चलो फॉल्स करते हैं। अब यहाँ आते हैं अनऑथराइज, ठीक है भाई, और होम अनऑथराइज, और यहाँ आ जाता हूँ क्लिक करने के बाद लोकल पर आते हैं। पासवर्ड क्या रखा था? 1 2 3 4 5 आई थिंक यही था, ठीक है भाई, ये चीज अब प्रॉपर काम कर रही है। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। एक तो ये जो काम चल रहा है ऑथेंटिकेशन वाला, इसको कुकीज वगैरह के थ्रू हम सेट करेंगे। दूसरा इसका यूआई थोड़ा सा मैं चेंज करने लगा हूँ, ठीक है भाई। बेटा अब सबके पास ये वाली फाइल्स आ गई हैं? हाँ हाँ मैं बताऊंगा, समझ रहे हैं, अभी तो सिर्फ समझना है, पहले सब डाउनलोड कर लें अपने पास और चला लें एक दफा, रन कर लें। एक बेटा कोड आपको मैंने सेम कोड दे दिया जो मेरे पास अवेलेबल है, ये रहा, ठीक है। अब आप सब पहला काम ये करें, ये करना है आपने, सुन लें, आप यहां आओगे कॉन्टेक्स्ट में, किसमें? कॉन्टेक्स्ट के फोल्डर में। यहां आने के बाद आपके पास ये चीज दी हुई है, लॉगिन सेट लॉगिन ट्रू किया हुआ है, इसको कर दो फॉल्स। पहला स्टेप ही आपने ये काम करना है, ठीक है, ये फॉल्स कर दो। ट्रू होगा तो लॉगिन करने पर या वो डायरेक्ट जो हमने काम किया हुआ वो नहीं चलेगा, बस ये कर दो एयरफोर्स शेयर बन, ये रहा। अब ये कोड हमारा प्रॉपर वर्किंग करेगा। अगर मैं होम को डायरेक्ट चलाऊंगा तो फिर ये एरर देगा। होम को चलाने के लिए मुझे पहले यहाँ लॉगिन वाले पेज पर आना पड़ेगा और यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको लॉगिन करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? क्लियर है, ये बात तो हमने देख ली, इस तरीके से वर्किंग कर रहा है। अब आगे चलते हैं। मैंने लॉगिन किया, जबरदस्त भाई, ये चीज लॉगिन हो गई, इजीली चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जहां प्रॉब्लम आती है वो देखते हैं। इसको बंद किया, दोबारा आया और लोकल 3000 पे गया, दोबारा साइन इन का पेज दे रहा है। हालांकि फेसबुक पे ऐसा नहीं होता, वन टाइम जब लॉगिन कर जाता हूं मैं, क्या कर जाता हूं मैं, वन टाइम जब मैं लॉगिन कर गया तो वो क्या हो जाता है, ब्राउजर में, जिस ब्राउजर में, ऐसा नहीं यहां वन टाइम लॉगिन कर दिया अब कहीं पे भी जाके ब्राउजर ओपन करूंगा चल जाएगा। ये कहां ओपन है? ये मेरे इस क्रोम के अकाउंट में ओपन है ना, लेकिन यही क्रोम का अकाउंट में किसी और सिस्टम में जाके ओपन करो तो वहां वो सारी चीजें ओपन नहीं होंगी कि मैं फेसबुक पे क्लिक करूं चल जाएगा, वो अकाउंट लॉगिन के लिए मांगेगा, ठीक है। अब इस वाले में ऐसा क्या है, तो इस वाले में एक जिस ब्राउजर के अंदर मैं ये काम कर रहा हूं यहां पर डेटा सेंड करवाया जा रहा है कुकीज में, किसमें? कुकीज के। कुकीज क्या होती है? कैशे के साथ स्टोरेज होती है, कैशे की ऐसी मेमोरी होती है कि कैशे इसको अपने पास सेव कर लेता है। एक होती है हमारे पास सेशनल सेशन स्टोरेज, क्या होती है? सेशन स्टोरेज क्या करती है कि जब तक एक सेशन चल रहा है, ये चीज चल रही है तब तक उसको स्टोर रखती है डेटा को। नॉर्मली जैसे अभी मैंने लॉगिन किया, ये अब तक लॉगिन क्यों है, पेज को बैक करूं या, तो ये तब तक जो लॉगिन है उसकी वजह क्या है, ये डेटा सेशन स्टोरेज में स्टोर हुआ है। लेकिन कुकीज में होगा तो जब मैं इसको बंद भी कर दूंगा अब भी ये चलेगा। ये है तो ब्राउजर का मेथड है, क्या है, लेकिन ब्राउजर को भी वो वेबसाइट बताती है कि मेरा डेटा आपने सेव करना है। समझ आ रही है बात? इस यूजर का डेटा आपने क्या करना है,
सेव करना है। जब आप यूजर का डेटा वापस करवाते हैं तो ये चीज इजिली सेव हो जाती है। अब उसके लिए हम करते हैं क्या, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो हम डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। सिंपल है, आप यहां आएंगे, लिखेंगे SF cookies। अभी कोई बंदा काम ना करे बेटा, यहां सिर्फ तवज्जो के साथ यहां देखते जाए, उसके बाद वन टाइम में तवज्जो से देख के फिर कर लेना। मैं कुकीज का काम जैसे ही स्टॉप करा दूंगा ना करने के बाद, फिर आपको बोलूंगा भाई ये कुकीज इस तरीके से कर लो। अब कुकीज में आने के बाद SF cookies, यहां पर आप आओगे। जी रिकॉर्डिंग ऑन है। कुकीज का मतलब समझ गए ना, कुकीज ऐसा डेटा है जिसके अंदर आप जब ब्राउजर पर मौजूद हैं, ब्राउजर जिस ये जो ब्राउजर है, इस ब्राउजर में कौन सा डेटा सेव करना है, आपका पासवर्ड हो गया, आपकी आईडी होगी कुछ। खैर पासवर्ड तो हम वैसे सेव नहीं करवाते, ठीक है, शो नहीं करवाते, सॉरी सेव तो करवाते हैं, पासवर्ड को शो नहीं करवाते, अभी तो हम चेक करने के लिए उसको शो भी करवाएंगे। तो ये जो डेटा है हमारा कुकीज के अंदर क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। उससे फायदा क्या है कि जब तक उस ब्राउजर की कुकीज क्लियर ना की जाए तब तक उसमें क्या रहेगा, वो लॉगिन रहेगा। अगर कोई चीज लॉगिन है तो वो पहचानेगा ये कुकीज में डेटा है पहले से, तो तंग नहीं करेगा। अगर नहीं है तो फिर बोलेगा। इसके लिए आपने सिंपल यहां आना है वेबसाइट के ऊपर, और एक मिनट बैठ जाते हैं जरा सा, ये दे दिया इसने npm। सबसे पहले रन npm इंस्टॉल -minus save। पुराना वर्जन होता था कि इसकी वैल्यू पहले ट्रू होती थी कि भाई इस -minus save लगे तब भी इसको इंस्टॉल करना, अब नहीं है। अब आप npm install sf cookies लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, और सेव के साथ करोगे तब भी। देखो इसको मैंने कमांड को कॉपी किया, यहां आया, जस्ट टर्मिनल ओपन किया, कंट्रोल शिफ्ट, यहां आके इसको कॉपी किया, -minus save की कमांड हटा देता हूं मैं, जी सॉरी, और इंटर कर देता हूं npm install sf cookies। ये मैंने लिखकर इसको इंस्टॉल किया, ये सिंपली क्या हो गया मेरे पास, इंस्टॉल। छोटी सी लाइब्रेरी है, कोई इतनी बड़ी नहीं है कि आप बोलो टाइम लगाएगी, हो गई। देखो अच्छा, अब देखो ये छोटे मोटे यहां पर अगर एरर आ जाए ना, इसका कोई इश्यू नहीं है, ये इजीली सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने समझना है, नेक्स्ट स्टेप है क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट दीज मैथड्स इन ES6 React का वर्जन है। मैंने कहा ES6 में जो हम तरीकेकार कर रहे होते हैं वो React के हवाले से, आपको बोल रहा है ये सब आप इंपोर्ट कर सकते हो। क्या क्या है इसमें समझो, इंपोर्ट क्या क्या करना है बेटा, यहां देखो बेटा, काम छोड़ दो, यहां हमने समझना है क्या क्या चीज इंपोर्ट करानी है। एक है बेक कुकीज, दूसरा है रीड कुकीज, तीसरा क्या है डिलीट द कुकीज। ये तीन आप समझ लो, प्रॉप समझ लो, ऑब्जेक्ट समझ लो, ये तीन ऐसी चीजें जो लेकर आ रहा होता है कहां से, SF cookies से, और हम इन्हीं को यूज करते हैं डेटा को सेव करने के लिए या डेटा को डिलीट करने के लिए। मैं यहां आता हूं, इसको कॉपी करता हूं यहां से, और जस्ट इसको यहां लाके अपने एक प्रोजेक्ट में सेव कर देता हूं। ऐप के अंदर जाऊंगा मैं, app.cs, देखते जाए आप लोग पहले तवज्जो से। मैं अभी ये करने के बाद स्टॉप करूंगा, आपको बोलूंगा आप खुद ट्राई करो। और अब मैं करता हूं इसको यहां पर इंपोर्ट। अच्छा, अनऑथराइज वाला ये जो फोल्डर बना हुआ इसका यहां काम ही नहीं है, ये हमने वहां होम पेज पे यूज किया, इसको यहां से बेशक हटा दो, हो गया सेव। अब इस चीज को चेक करने के लिए मैं काम करता हूं, मैं राउटर वाउटर सब हटा रहा हूं फिलहाल, नेटबार बिल्कुल खाली कर दिया मैंने, इन सबको कमेंट आउट कर दिया मैंने, कोड को थोड़ा सा जूम करता हूं। अब ये आ रहा है बेक कुकीज वाला काम, ठीक है, बेक कुकी ये बोल रहा है, और रीड कुकी दे रहा है, डिलीट कुकी दे रहा है, ऐसे ऑप्शन दे रहा है। पहले मैं एक काम करता हूं, मैं लेकर आता हूं किसी बेक कुकी को, मैं करता हूं बेक कुकी, और ये ब्रैकेट ओपन करता हूं। बेक कुकी क्या ले रहा है, नेम और वैल्यू, ये दो चीजें ले रहा है मुझसे, क्या ले रहा है, नेम और वैल्यू। मैं एक काम करता हूं यहां इस तरीके से एक चीज पास करता हूं, और इसको लिख देता हूं बिल्फर्स, यूजर दे देता हूं यूजर, और 1 2 3 4 5 की और उसकी वैल्यू दे देता हूं, सेव कर देता हूं, और यहां आता हूं। अच्छा, अब ये जो मैंने काम किया है ना इसका, यहां आकर और एक और भी काम कर लेता हूं मैं, सबर लेट ए इज इक्वल टू, फिलहाल मैं ए के अंदर लिख देता हूं, जी जी दोनों
अच्छा ये हो गया, और यहाँ आता हूँ मैं, एक काम कर लेता हूँ console.log और a को प्रिंट करा लेता हूँ। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है ये रिटर्न क्या करता था, इसको अभी हम चेक कर लेते हैं। रिटर्न में जो चीज़ बताएगा उससे हमें पता चलेगा ये। अच्छा लोकल स्टोरेज मैंने बंद किया हुआ है। हाँ इंस्पेक्ट पर आता हूँ और अब इस चीज़ को चेक कर लेता हूँ। अनडिफाइंड दे रहा है, क्या दे रहा है मुझे अनडिफाइंड, के भाई ये चीज़ जो आप दे रहे हो ये क्या है अनडिफाइंड है, बेक कुकीज कुछ भी नहीं, बेक कुकीज जस्ट मुझे रिजल्ट दे रहा है। अच्छा अब मैं यहाँ आता हूँ और एक और काम करता हूँ console.log, और यहाँ आने के बाद इधर देता हूँ रीड हाइफन और कुकी। रीड कुकी में नाम पास कर देता हूँ यूजर, क्या दे देता हूँ यूजर। सेव करता हूँ इसको और कंसोल पे जरा चेक करता हूँ मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है 1, 2, 3, 4 उस यूजर की क्या मिल रही है मुझे की मिल रही है। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ बेक कर सकता हूँ किसी कुकी को और उसका क्या निकाल सकता हूँ की। ये मैंने क्या कर दी रीड कर दी। अब हुआ क्या है इस चीज को भी हटाता हूँ मैं और एक और मेथड चला लेता हूँ मैं, इन दोनों को हटाता हूँ। एक मिनट में बता दूँ बेटा, पहले ये क्लियर कर दूँ। डिलीट कुकी और यहाँ आके लिख देता हूँ यूजर, एक दफा इस कोड को चला लेता हूँ ठीक है और रिफ्रेश करता हूँ ठीक है प्रॉपर है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसको हटा देता हूँ। हटाने के बाद यहाँ ऑप्शन में है मेमोरी, एक मिनट एप्लीकेशन में शायद है, हाँ एप्लीकेशन में स्टोरेज, लोकल स्टोरेज में क्या स्टोर है अभी मेरे पास कुछ है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं है भाई लोकल अभी यहाँ कुकीज में कुछ भी नहीं चल रहा। एक वेबसाइट जो चल रही है हमारे पास दिखा रहा है कुकीज के लिहाज से वो खाली पड़ी है। अब एक काम करता हूँ मैं, अब जरा देखना आप लोग बेक कुकीज करता क्या है। बेक कुकी मैंने कहा और यहाँ आने के बाद मैं दे देता हूँ यूजर कॉमा और यहाँ आने के बाद मैं दे देता हूँ बिलाल। सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ और अब क्या हुआ इस कुकी के अंदर एक यूजर सेव हो गया। कौन सेव हो गया, एक यूजर सेव हो गया। अब यूजर में क्या है, अब देखो ये नेम है और दूसरा क्या है वैल्यू है, नेम है और क्या है वैल्यू है मेरे पास। सेम चीज जैसे मैंने आपको बताया यूजर दे दिया और मैंने क्या दे दी वैल्यू दे दी, इसने यहाँ पर ये चीज स्टोर कर दी। अब ये इसके अंदर सेव हो गया है डेटा, अब ये डेटा इसके अंदर क्या हो गया है पक्का सेव रह गया है इस लोकल स्टोरेज के अंदर ठीक है। अब बेक कुकी हटा देता हूं मैं, सेव करता हूं रिफ्रेश करता हूं इंस्पेक्ट करता हूं और एप्लीकेशन में था ना एप्लीकेशन, अच्छा ये अलग डिफरेंट ब्राउजर में डिफरेंट चीजें दिखा रहा होगा ठीक है। इसको ओपन करता हूं लोकल स्टोरेज में जाता हूं, देखो वो डेटा अभी भी सेफ है, वो डेटा क्या है अब भी सेफ है। अगर ये डेटा मैं रीड करना चाहता हूं तो मैं रीड भी कर सकता हूं। उसको रीड कैसे होगा, मैं लिखूं रीड कुकी और रीड कुकी का नाम क्या है कि आप नेम पास कर दो जो आपने नेम दिया है, सेव करो इसको, यहां आओ और चेक कर लो भाई कंसोल पे इंस्पेक्ट करके देख लो, आपको ये बता देगा ये कुकी क्या हो गई है। और सॉरी रीड कुकी तो चला दिया, रीड कुकी को वो नहीं किया कंसोल पर, console.log और ये कर दो। अब देखो जरा सेव करता हूँ, यहाँ देखो ब्लास्ट थी इसने क्या किया। अब दो दफा वाला इशू तो अब आपको पता है भाई वो किसकी वजह से आ रहा है, स्ट्रिक्ट मोड की वजह से। बेटा यहाँ तक दूसरी चीज समझ आ गई, बेक कुकी क्या करती है कुकी जनरेट करके देती है, रीड कुकी उस कुकी को रीड करती है, मतलब आप जहां पर प्रिंट कराना चाहो जहां यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। अगली चीज क्या है, अगली चीज क्या है डिलीट, मैं इस कुकी को क्या कर सकता हूँ डिलीट भी कर सकता हूँ। अब डिलीट करने के लिए क्या है, मैं अगर कर दूं डिलीट कुकी और डिलीट कुकी को कंसोल पे प्रिंट कराएंगे तो ये फंक्शन है एक चलेगा, कौन सी कुकी डिलीट करनी है नाम देना पड़ता है, मैंने कहा यूजर को डिलीट करना। सेव करूं या आऊं देखो नल एरे दे रहा है मुझे, नल एरे क्यों दे रहा है, बोल रहा है भाई खाली है, हो गया क्या रिटर्न कर रहा है खाली। अच्छा एक आप एक और चीज, यहां आता हूं एप्लीकेशन पर आता हूं और कुकीज पे जाके देखता हूं ये क्या है डिलीट है, क्यों क्योंकि कुकीज क्या हो गए मेरे पास डिलीट हो गए। यहां आता हूं, अच्छा एक मिनट सेव करता हूं जरा, डिलीट फंक्शन ऑटो डिलीट कर रहा है उसको, दोबारा भी रीड नहीं होने दे रहा है कुकीज को, क्या कर रहा है वो डिलीट। अब
इस फंक्शन को आप समझ गए क्या काम हो रहा है, सिर्फ ये समझ गए ना बैक टू की क्या कर रहा है। अब ये इसका क्या काम है सर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम, जब एक बंदा आता है हम चाहते हैं वो आईडी लिखे पासवर्ड लिखे, अगर वो मैच हो जाए ओके करे तो वो डेटा कुकी में सेफ हो गया, बैक कुकी लगाएंगे सेफ हो गया, चलता रहेगा। और फिर हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर रीड कुकी रीड करो, कि अगर कुकी के अंदर ये वैल्यू मौजूद है यूजर मौजूद है तो ये पेज ऑथेंटिकेशन वाला पेज नहीं दिखाओ, डायरेक्ट कौन सा पेज दिखाओ, होम पेज दिखाते रहो। फिर अगर ऊपर लॉग आउट का बटन है उस बटन पे क्या रखेंगे, डिलीट कुकी, अगर यूजर लॉग आउट पे क्लिक करता है कुकी डिलीट हो जाए, कुकी डिलीट होगी और हम उसको नेविगेट करा देंगे लॉगिन वाले पेज पे। अब लॉगिन वाले पेज पे जैसे ही वो पहुंचा पीछे क्या थी कुकी क्या हो गई डिलीट हो गई, तो वो कौन सा पेज दिखाएगा उसको, लॉगिन वाला पेज ही हमेशा दिखाएगा। तो जब भी कोई पेज रेंडर करवाना है ये पहली चीज़ पर, यहाँ तक बात समझ आ गई क्लियर, अभी हम करेंगे तो पता चल जाएगा। अब आप एक काम करें, अपना सिस्टम ऑन है आप लोगों का सिस्टम, सबसे पहले ऐसा कुकीज डाउनलोड करें और तीनों कुकीज को वन बाय वन जैसे मैंने डाउनलोड किया और चेक किया आप ये चेक करें, उसके बाद फिर हम इसको यूज करते हैं फटाफट से ऑन द स्पॉट। जल्दी तवज्जो से देखें सर, सर जी यहाँ भी देख लो। अच्छा अब करना क्या है, सिंपल सा काम है ये, तो अभी हम बैक कुकीज वगैरह सेव कर लेंगे, लेकिन कुकीज को सेव करने से भी पहले हमारे पास एक मेथड है जो हमने ये अप्लाई करवाना है। देखो अब हमारे पास ये सिस्टम आ गया, साइन इन है, सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक फंक्शन चलेगा बैक कुकी का, वो कुकी को बैक कर देगा सबमिट के अंदर, सिंपल वो डेटा वहां से ले लेना है, हम उसमें डेटा पास करवा देंगे। सबमिट करता हूं मैं, हमारे पास ये चले कोड आ गया। अब यहां क्या आ रहा है, लॉग आउट। अब एक बात याद रखना, लॉग आउट पे क्लिक करूं ठीक है क्या दे रहे हैं, अनडिफाइंड दे रहा है। अब मैं क्या जा रहा हूं लॉग आउट पे क्लिक करने पर, अब ये बटन क्या है पहले तो ये बताओ, लॉग आउट साइन इन, और अगर साइन इन पे क्लिक करता हूं क्या करता है, सेम पेज को रीलोड करता है, देता है यूआरएल के थ्रू। अब मैं जा रहा हूं सबमिट पे, जब क्लिक किया ये जो लॉग आउट आ रहा है, लॉग आउट करूं, अब बटन एक है और दो काम हो रहे हैं। मैं जा रहा हूं जब लॉग आउट साइन इन ना हुआ हो इस पेज पर हो, तो अगर इस पर जब भी क्लिक करें ना यहां पर साइन इन वाली जगह, तो यही पेज रीलोड हो, ये प्रॉपर है। लेकिन जैसे ये सबमिट हो जाए अब बटन वही है, इस पर काम दूसरा होना चाहिए, नहीं अब एक ही बटन पे काम करना है आपने, बटन का नाम चेंज हुआ लॉग आउट वाला। अब इसके लिए आपने कंडीशन बनानी है, कंडीशन बहुत सिंपल है मैं बता देता हूं। ऑन क्लिक पे क्या चल रहा है समझे आप लोग, चीज को समझे, लॉजिक बनाना, छोटे छोटे लॉजिक खुद समझना है। ऑन क्लिक पे ये चल रहा है, अब आप यहां पर ऑन क्लिक पे लगाओ कंडीशन, ऑन क्लिक फंक्शन, फंक्शन ओपन हो रहा है, फौरन लगाओ इफ की कंडीशन, अगर लॉगिन ट्रू होता है तो फिर अगर ऑन क्लिक बटन पे क्लिक होता है तो ये कहां जाना चाहिए, साइन इन वाले पेज पे नेविगेट लगा के और सिर्फ साइन इन वाले पेज का मेथड दे दो, और अगर ये पेज ट्रू नहीं होता तो जब साइन इन पर क्लिक हो तो साइन इन वाला ही पेज लो। ये कंडीशन अभी के अभी मैं बता देता हूँ कहाँ बनानी है आपने, ये कंडीशन आपने बनानी है। देखो सारा कोड हमारा एक जैसा है, ये बनाओगे नहीं तो मैं अभी हैंड टू हैंड आपको बना के दूंगा, यहाँ ऊपर आ जाओ यहाँ बना दो, बटन है ना बटन के लिए ऑन क्लिक मैंने बनाया हुआ है, सबमिट ये रहा, लॉग इन यूजर पर आ जाओ, ये लॉग इन यूजर के नाम से एक फंक्शन है, ये रहा ठीक है, इसके अंदर जो काम हो रहा है, एक मिनट ये लॉग इन यूजर सबमिट वाला है, ये तो फॉर्म पर आ गया हूं मैं, नेवबार में सॉरी, ये नेवबार के अंदर है, नेवबार ये रहा बटन, इस बटन पे क्या हो रहा है जरा और से समझो, लॉग इन लॉग आउट और ये लॉग इन पे दे रहा है, अब लॉग इन ट्रू वाली वैल्यू ये आ रहा है और ये फंक्शन का है। अच्छा इस फंक्शन पे मैंने कोई मेथड लगाया भाई नहीं है ना, बटन है, इस बटन पे आप लगाओ एक ऑन क्लिक का मेथड ठीक है, और इसको कुछ भी नाम दे दो भाई, ऑन सबमिट या ऑन चेंज ठीक है, लॉग इन या लॉग आउट, क्या नाम दो इसको भाई, ऑथेंटिकेशन बटन BTN कर देना ठीक है, ऑथेंटिकेशन बटन या इस टाइप का नाम दे दो। इस नाम के बाद यहां पर आने के बाद इस नाम से फंक्शन शुरू करो और उस फंक्शन के अंदर कंडीशन लगाओ कि अगर, अच्छा ये एक चीज मुझे समझ नहीं आई, अगर है ये लॉगिन तो हो रहा है ना,
ये नेव बार ही है ना, नेव बार है, प्रॉपर काम कर रहा है। और एक मिनट मुझे सिर्फ ये बूटस्ट्रैप का हमने कोड लिया ना, हाँ डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है। एक मिनट फॉर्म को मैं हटाता हूँ, आप जानते हो एक चीज फॉर्म है ना, तो इस फॉर्म को हटा के मैं कर देता हूँ डिव। और जरा हम चेक कर लेते हैं मेरे बटन पे कोई डिफरेंस आया, बटन पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। सबमिट, सबमिट के बाद यहाँ आ गया, जबरदस्त। अब ये बटन पे कोई काम नहीं हो रहा, पहले क्या कंडीशन थी, बटन पे क्लिक करता था अनऑथराइज आता था, क्योंकि फॉर्म के अंदर अगर बटन ऑफ पे क्लिक करो तो वो सबमिट होता है और पेज लोड होता है। लोड होता है तो जाहिर सी बात है हम पेज से हट गए, पेज दोबारा रीलोड हुआ, यूआरएल के थ्रू इंटर हो गए, तो वो अलाउ नहीं करता है। अब इस बटन के ऊपर आप फंक्शन लगाओ, पहला काम इसको डिव बना दो फॉर्म को, और दूसरा काम ऑन क्लिक लगाओ, यहां लगाया तो था कहां चला गया, ऑन क्लिक, और इसको आप नाम दे दो बीटीएन लॉग, लॉग इन कर दो लॉग इन, ठीक है लॉग इन बीटीएन, बस ये करके यहां आ जाओ ऊपर, और इस नाम से आप क्या बना दो, फंक्शन बना दो। शाबाश, ये वाला काम अभी के अभी आप सारे कर दें, लॉग इन बीटीएन, कॉपी करता हूं मैं इसको फंक्शन, और ये नाम ये और ये, बस इसके अंदर अब आप कंडीशन लगाएं। शाबाश, फटाफट से इसका कंडीशन लगाएं, फिर हम देखते हैं इस पे क्या। अब लॉग आउट पर, लॉग आउट वाले पेज पर जाए, लॉग इन पर हो, लॉग के साथ देखें, इतना कोई बड़ा काम नहीं है, मैंने सिंपल ये किया है, इस चीज को समझे। यहां फॉर्म था, सबसे पहला काम फॉर्म को डिलीट मार देना भाई, फॉर्म रख के बच्चे सबमिट करते रहेंगे और रिफ्रेश होगा एरर देगा, फॉर्म की जगह कर दो फिलहाल टिप। एक काम ये फॉर्म की जगह क्या हो गया डिव। फिर आपने एक काम करना है, इस बटन को एक आईडी दे देना लॉग बीटीएन के नाम से, वो क्यों बाद में बताऊंगा, और ऑन क्लिक पे लॉग इन बीटीएन कर देना, ये एक फंक्शन नाम बना दिया आपने यहां। अब यहां कुछ भी नहीं करना, यहां पर आपने इंपोर्ट करना यूज नेविगेट को फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और नीचे कॉन्स्ट नेविगेट बराबर यूज नेविगेट इस वेरिएबल को ले लिया। आप देखो यहां कंडीशन है फंक्शन के अंदर, बटन पे क्लिक करने पे ये वाला फंक्शन चलना चाहिए, इस फंक्शन पे होगा क्या, ये बट फंक्शन चेक करेगा इफ अगर लॉगिन मतलब ट्रू है लॉगिन, तो क्या करो, अगर लॉगिन ट्रू है मतलब पेज लॉगिन हुआ है, तो क्लिक करने पे लॉगआउट वाले पेज पर आओ। लॉगआउट वाला पेज क्या है, होम पेज, मेन पेज हमारा, जिसका रूट क्या है, सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश, तो कर दो भाई नेविगेट कर देना इसको कहां पर, फॉरवर्ड स्लैश वाले पेज पर। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है ये जो बटन है मेरे पास, तो मैं करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी दी थी बटन को, ये आईडी दी हुई है लॉग बटन, इसको कॉपी करता हूं मैं। अब इस बटन को क्यों लिया, क्योंकि जब मैं क्लिक करूंगा उसका पेज तो चेंज हो जाएगा, ये कंडीशन चल जाएगी, उसको दूसरी कंडीशन पे वो जाने ही नहीं देगा, नाम नहीं चेंज करेगा उसका लॉग आउट, तो इसको यहां पर मैं ले आता हूं डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट कर दो भाई, इनर टेक्स्ट मेरा खाली ले देता, और यहाँ आने के बाद SIGN साइन, साइन इन, साइन इन दिया हुआ था, यहाँ जो दिया हुआ है वही नाम दे दो साइन इन, कॉपी पेस्ट करो, अच्छा सेम चीज ही दी हुई है, ठीक है भाई ये हो गया। एल्स में क्या करना है, चलो भाई ये तो हो गया, अब मसला ये इफ हर जगह लॉग, अब अगर एल्स में है, अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए, फिर सिंपल सी बात है, उसने एक और काम करना है, वो है दोबारा नेविगेट कर जाओ इसको इसी पेज पर। अब यहाँ पे जो कंडीशन है इसको हम बाद में जाके चेंज करेंगे, तब जब क्योंकि इसका नाम भी चेंज करेंगे, साइन अप करेंगे, जब वो साइन इन है तो साइन अप होगा, जैसे क्लिक करेंगे साइन अप वाले पेज पे जाएगा, ठीक है भाई बात समझेगा, एक टाइम में एक ही बटन पे दो दो तीन तीन नाम चल रहे होंगे, साइन इन साइन अप बटन कंडीशन चेंज होती जाएगी, आप बनाना चाहो साइन अप भी बना सकते हो। क्या ये क्या कंफ्यूजन है, तो क्या हो गया, यहाँ एल्स नहीं लग सकता, इसके दरमियान में एल्स इफ लगता है ना, तो एल्स इफ लगा देना कि भाई जब साइन इन का पेज हो तो इनर टेक्स्ट क्या होना चाहिए, साइन अप, जब साइन अप का पेज हो तो साइन इन होना चाहिए, और जैसे ही लॉग इन हो जाए तो लॉग आउट शो, तीन कंडीशन आपने बनानी है, मैंने एक तो बना दी, दूसरी वाली आप यहाँ साइन अप बनाना चाहो यहाँ लिख दो भाई जब साइन अप है, वैसे ही लिख देता हूँ, चलो यही है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय फिलाना और इज इक्वल टू ढिमकाना, ठीक है यहां कर दिया हमने साइन अप, सेव किया इसको, यहां आते हैं
और चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, साइन इन दिया हुआ, इसको भी वैसे साइन अप होना चाहिए था। सबमिट किया मैंने, ये लॉग आउट आ रहा है, लॉग आउट पे क्लिक किया, साइन इन वाले पेज पर आ गया। ठीक है, दोबारा इस कंडीशन पे इसने मुझे दे दिया क्योंकि मैंने साइन इन दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ कर दूँ साइन अप, तो अब यहाँ पर कौन सा पेज शो करेगा मुझे, तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। सबमिट, ठीक है, लॉग आउट, साइन अप, और ये कौन सा पेज चल रहा है, साइन इन वाला पेज है। और अगर यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ साइन अप हो, ये वाला पेज एक्टिव हो, साइन अप पे क्लिक करूँ, तो वहां पर भी मैं कंडीशन चेंज कर सकता हूँ रूट के हिसाब से। फिलहाल हमने जो कंडीशन लगाई उसके हिसाब से ये दिया है, तो साइन अप के पेज का अभी हमारे पास रूट नहीं है, तो हम इसको रूट नहीं देते, बाकी यही है। अच्छा भाई, ये तो हमने देख लिया, कंडीशन लग गई हमारे पास, लॉग आउट भी सिस्टम कर रहा है इसको। अब यहाँ आते हैं बैक बैक बैक, देखो बैक पे बैक चलता जा रहा है, ये क्या कर रहा है, बैक जा रहा है। हमने ये चीज भी चेंज करनी है, लोकल, इस पर आता हूँ मैं, लोकल होस्ट 3000 पे। अब हमने यहां से काम शुरू करना है बैक कुकीज का, कौन सा काम शुरू करना है, बैक कुकी के हवाले से। भाई कुकीज के अंदर हमने कुछ डेटा जो है वो सेव करवाना है, तो उस पर आता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ से हम थोड़ी सी वैल्यू देते हैं। अच्छा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है सिंटैक्स, हाउ टू सेव ऑब्जेक्ट इन बैक कुकीज इन रिएक्ट, सेव हाउ टू स्टोर, आसान हो जाए, और जब तक मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूँ, नेम वैल्यू, जो है वो डेटा अब हम यहाँ पर स्टोर करवाते हैं जरा कुकी के ऊपर। कुकीज में जो है हम थोड़ा सा डेटा स्टोर करवाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे। ठीक है, लॉगिन का डेटा जो भी होगा वो हम क्या कर लेंगे, वहां पर स्टोर करवा लेंगे। अब यहाँ हमारे पास लॉगिन के लिए कुछ कंडीशन थी, हमने कंडीशन पे वेरीफाई करवाया था ना लॉगिन, सॉरी मैं नैब बार पे हूँ, नैब बार को तो बंद करूं, मैं यहाँ पर आता हूँ पहला काम बुक्स में और कॉन्टेक्स्ट में, और एक मिनट बुक्स ऐप नहीं, फॉर्म हमारा है साइन इन, जिसमें कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब साइन इन वाले पेज पर आने के बाद मैं ये देखता हूँ कि कहाँ पर मेरी ये कंडीशन चल रही है कि भाई अगर ईमेल और ये पासवर्ड और ये चीज़ यहाँ मैच कर जाए तो फिर ये चल जाए। अब अगर वो चीज़ ओके चल रही है तो यहाँ जहाँ ये लॉग इन हो रहा है, लॉगिन भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, इसकी कंडीशन पहली वाली क्या हो रही है, पूरी ट्रू हो रही है। यहां पर मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल के अंदर बैक कुकी के अंदर वैल्यू क्या कर दूंगा, स्टोर करवा दूंगा। कौन सी वैल्यू स्टोर कराता हूं वो देख लेते हैं, मैं आता हूं यहां पे बैक कुकी, और बैक कुकी के अंदर यहां पर नेम स्ट्रिंग वैल्यू और स्ट्रिंग, मल्टीपल ऑब्जेक्ट लगाने के लिए मुझे ईमेल और पासवर्ड दोनों यूज करवाने हैं, यूजर ईमेल, एक डेटा सेव कर रहा है, एक ये यूजर, एक ये जो डेटा दे रहा है ये डेटा मैंने सेव करवाना है यूजर के नाम से। ठीक है ना, पहला है मेरे पास यूजर, यूजर का डेटा कॉमा, इसके अंदर डेटा क्या स्टोर करवाना है जो मुझे ईमेल से मिल रहा है, और ये जो मैंने ईमेल गेट किया है वो कहाँ से गेट हो रहा है, ई डॉट टारगेट से, तो ये ईमेल, ईमेल, ईमेल और इसके बराबर ईमेल, यूजर डॉट ईमेल के बराबर है, ये रहा ईमेल, तो ईमेल के बराबर ईमेल को सेट करना है। फिर दूसरा बैक कुकी के अंदर दूसरी चीज मैंने स्टोर करवानी है पासवर्ड,
और पासवर्ड जो है मैं इस यूजर का सेव करवाऊंगा, कहाँ से ये मैं सेव करवाऊंगा, पासवर्ड को नाम दिया है PWD, तो PWD वाले सेक्शन से मैं इसका पासवर्ड सेव करूंगा। ये दो चीजें जैसे ही मेरा यूजर लॉगिन होगा तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, कंडीशन में सेव हो जाएंगी, जैसे वो सबमिट करेगा और ये चीज क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। पहले तो हम ये चीज करते हैं कि हमारा यूजर जो है वो सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा। कॉपी इसको बंद करता हूँ, यहाँ आता हूँ, सेव करता हूँ, एंटर करता हूँ, इंस्पेक्ट करके पहले तसल्ली से चेक कर लेता हूँ क्या ये चीज़ सेव हो रही है या नहीं। और कहाँ है, एप्लीकेशन में जाकर मैंने देना है कुकीज़ पर, कुकीज़ में अभी फ़िलहाल कोई डेटा नहीं है। अब मैं आता हूँ इसको सबमिट करता हूँ, ज़बरदस्त, कुकी में क्या हो गया मेरे पास, यूज़र और उसका पासवर्ड क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। ये वाला कोड बेटा समझ आ गया, ये चीज़ मेरे पास इजीली यहाँ पर सेव हो गई। अच्छा, अब ये तो हो गया कुकीज़ के अंदर सेव हो गया, अब रीड में जाना है मुझे अगली चीज़ के, जब भी इस पेज पर नेविगेट करवाना है, एक मिनट। अच्छा, ये वाला कोड बेटा लिख लो आप लोग, ठीक है, ये कोड जो है ना इतना सा कोड है, बेक कुकी का यूज़र और पासवर्ड, ये नाम दिया है मैंने, और ईमेल और पासवर्ड कौन सा, ये वाला इफ की कंडीशन वाला, ये ईमेल और ये वाला पासवर्ड आप लिख लो जिसके अंदर वैल्यू आ, ये लिख दो ताकि जैसे आप सबमिट करो आपका डेटा क्या हो जाए, वहां पर सेव हो जाए। पहले तो आप ये सेव करवा दो और जब तक मैं जो है दूसरा वाला इसका काम वो कर। अच्छा बेटा, यहां पर देखो जरा, यहां तवज्जो दे दो, मैं आपको बताता हूं क्या मकसद है। देखो, साइन इन है, साइन इन मैं वन टाइम सबमिट कर दिया मैंने, ठीक है, ये सबमिट हो गया, चल गया। अब मैं चाहता हूँ वन टाइम लॉगिन कर लिया, अभी मैंने लॉग आउट नहीं किया, अगर तो अगर मैं यहाँ आता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ और मैं यहाँ आ जाऊँ लोकल होस्ट पर और सीधा एंटर कर दूँ मैं, तो ये पेज नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, होम पेज। वो तो अभी हम लगाएंगे, कंडीशन ओके हो जाएगा, यूज इफेक्ट चलाएंगे, उसके अंदर हम ये काम करेंगे तो ईजिली हो जाएगा काम, उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम अगली चीज़ चेक करते हैं, अगली चीज़ हमारे पास ये है कि ये भी हो गया डिलीट वाला काम। हाँ, डिलीट वाले काम के लिए मैं इसको बंद करता हूँ और बैक कुकी लेकर आया हूँ, इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। अब आते हैं हम लोग डिलीट वाले के लिए, डिलीट का ऑप्शन कहाँ पर है भाई, किस पेज पर है, नैव बार वाले, ठीक है, नैव बार में जाम लॉग आउट कर रहे हैं, नैव बार के अंदर अगर ये पेज लॉग इन है तो ये चलेगा, ये चलेगा। अगला काम ये भी करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बैक कुकी आ जाए, और बैक क्योंकि नहीं, सॉरी, बैक क्योंकि जगह हमने यहां पर क्या चलाना है, सबर सबर डिलीट कुकी, अरे भाई एक ही के अंदर होगा ना, जब लॉग आउट पे क्लिक किया तो लॉग आउट पे जब बैक जाए कुकी भी डिलीट कर दे, तो यहां पर डिलीट, एक मिनट, डिलीट कुकी ये ओपन किया और यहां पे क्या कर देना है, कुकी का नाम एक यूजर डिलीट करो, और मुझे अब ये नहीं पता दूसरा वाला, दो एक साथ लिख सकते हैं यहाँ पे या नहीं, लेकिन मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, बहरहाल वो हम चेक कर लेंगे, पास WRD वर्ड पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें, दोनों कुकीज क्या कर दो, डिलीट कर दो। अच्छा, एक पासवर्ड भी डिलीट कर दो तब भी लॉगिन नहीं होगा, ठीक है भाई, उसके बाद पासवर्ड है ही नहीं, तो दो चीज़ें जब तक नहीं होंगी ट्रू तो वो लॉगिन करेगा ही, सेव कर देता हूँ इसको। अब यहाँ आते हैं ज़रा कंडीशन चेक करते हैं, हमने कंडीशन जैसे वेरीफाई करनी है अपनी, कंसोल पर आता हूँ, एप्लीकेशन पर आता हूँ और कुकीज़ पर आता हूँ, पहले तो सबमिट करता हूँ, सबमिट किया, कुकीज़ में डेटा सेव है, ठीक है, यहाँ आता हूँ लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, साइन इन पर आ गया दोबारा, डिलीट हुआ नहीं, हाँ सॉरी पेज नहीं रिफ्रेश किया ना, रिफ्रेश हो गया तो वो डेटा कहाँ गया, डिलीट हो गया। इसका मतलब अगर कोई लॉग आउट पे क्लिक करे तो चल गया। अब अगली कंडीशन है, ठीक है भाई डेटा सेव भी हो रहा है, करें क्या इसका, अब काम आता है रीड कुकी का, किसका, अब मैं चलाऊंगा मैन पेज पर, असल काम मेरा ये है कि इसको बंद करो और जब मेरे पास ये चले, एक मिनट, यूज इफेक्ट कहां है, सबसे पहले चलेगा मेरा ये वाला मैन पेज और इसमें चलेगा साइन इन। अब ये हमने काफ़ी सारा काम करना है, ये यहाँ पर एंड नहीं है, हमने यूज़र बनाने हैं, फिर वो गिटअप का पूरा सेटअप बनाना है, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट खींचता हूँ मैं। मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करवाना है यूज़ इफेक्ट को, टेप दबाया, यूज़ इफेक्ट ऊपर इंपोर्ट भी हो गया। मैं कहता हूँ भाई यूज़ इफेक्ट चला दो आप,
यूज इफेक्ट चलेगा। यूज इफेक्ट क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ये कॉल बैक फंक्शन करेगा क्या, और हाँ वन टाइम चलना चाहिए, इसके लिए मैं ये कर देता हूँ। यूज इफेक्ट चलेगा, चेक करेगा सबसे पहले इफ अगर रीड कुकी यूजर एक ये एंड रीड कुकी। अगली कंडीशन क्या है, पासवर्ड हो। अगर ये दोनों चीजें हो तो फिर ये मत करोगे ये काम करना है वो काम करना है, सीधा इसको ले जाओ काम, नेविगेट कराओ। नेविगेट के लिए मुझे नेविगेशन यूज करनी पड़ेगी, नेविगेट। अच्छा ये एक बात याद रखना बेटा, हुक्स हमेशा कहां पर आएंगे, टॉप पर, हमेशा टॉप पे रखने से सारे हुक्स आपने यहीं बनाने। तो आप इसको नेविगेट करवा दो कहां पर, स्लैश होम पर। अब आप यहां जाना ही नहीं, होम पर, ठीक है भाई। अब यूज इफेक्ट सबसे पहले जब प्रोग्राम रन होता है, कोई कंपोनेंट चलता है तो क्या चेक होता है, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट में बोलेगा अगर यूजर है और पासवर्ड मौजूद है तो उठा के क्या कर दो, लॉगिन करवा दो। ये चेक करते हैं अभी हम, एक मिनट, अब हम यहाँ आते हैं, पहले लोकल पर आ जाता हूँ मैं। अच्छा अनऑथराइज्ड, एक और चीज भी ये बोल रहा है, अनऑथराइज्ड वाला ये होम पेज पे नेविगेट हो रहा है, बस हमारे पास क्या कंडीशन में एरर है ये। तो एक और काम भी करना है मुझे, यहां पर मुझे सेट लॉगिन को क्या करना पड़ेगा, ट्रू, क्योंकि भाई सेट लॉगिन भी यूज किया और सेट लॉगिन को यहां पर लाया हूं मैं, ये लॉगिन को भी ट्रू करवाना पड़ेगा भाई, ये भी आपको पता है। मेरा ख्याल है यहां पर मैं लाया ही नहीं हूं सेट लॉगिन को, सेट लॉगिन के वैल्यू ट्रू कर दो भाई। यूज इफेक्ट चलेगा इफ रीड कुकी सेट लॉगिन ट्रू करो लॉगिन की वैल्यू और होम पेज पे नेविगेट कर जाओ। एक मिनट, यहाँ कोई ऐसी मिस्टेक हुई है, मैं लॉगिन लेकर आया हूं और हाँ एक ये भी है कि दो तीन चीजें चेक करनी है मुझे। एक होम पेज का है, कंपोनेंट्स होम पेज, ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई जब होम पेज पे डेटा शो कराए तो अगर लॉगिन ट्रू हो तो फिर ये वाली चीज शो करवाए होम पेज, अगर ना हो तो अनऑथराइज करवाए। इसका मतलब यहाँ पर क्या नहीं हो रहा, और ये एज इक्वल्स टू 10 क्या दिया हुआ है, हाँ ये ऐसे ही था ना, एज इक्वल्स टू 10, यहाँ साइन इन पर ये चीज कंडीशन आ रही है। मेरा ख्याल है इसको हम दोबारा आते हैं लोकल होस्ट पर, रन करते हैं होम पेज, वो रिफ्रेश नहीं होता होम पेज। आप देखो जब तक ये चल रहा है बेहतरीन, अगर मैं लॉग आउट, क्या एरर है ये चीज नहीं समझ आ, हाँ नहीं 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 बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, कोई एरर नहीं। एरर ये है कि किस पेज पर लगाया हुआ यूज इफेक्ट, साइन इन पेज पे, साइन इन पेज का एड्रेस क्या है, होम। तो जब मैं इसको चलाता हूँ वो होम पेज पे ले आता है नेविगेट करा के, प्रॉपर है। लेकिन जब मैं ये होम पेज पे आ गया इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप एड्रेस क्या है, होम पेज चेक करता है कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, या नहीं 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 वो तो जाहिर सी बात है आपने रिफ्रेश किया ट्रू उड़ गया, अब होम पेज आ गया ना डायरेक्ट। देखो यहाँ देखो ये आपने किया, आपने होम पेज पे आ गया, प्रॉपर है। लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, अच्छा लॉग आउट से कुकीज डिलीट हुआ है या नहीं ये भी चेक करना पड़ेगा, और शिफ्ट भी नहीं हुआ, ये थोड़े से ब्लेंडर दे रहे हैं हमें। मैं यहाँ आता हूँ लॉग आउट पे भी चेक करता हूँ, एक मिनट, ये आया नेबार का कोड तो ओके, यहाँ पर भी ओके, हमें एरर जो मिल रहा है वो मिल रहा है किस पेज पर वो देखना है मुझे। सिंपल होम पेज को लाऊंगा तो अनऑथराइज दे रहा, ठीक है। अच्छा साइन इन पर क्लिक करता हूँ, ये दे देता है साइन इन, साइन अप नहीं आने दे रहा। अच्छा लॉग आउट वाले सिस्टम पर एरर दे रहा है, जब भी साइन इन वाले पेज पर जाता है लॉग आउट वाले बटन पे क्लिक करने पे ना ये डिलीट नहीं हो रहा, ये चीज देखनी पड़ेगी। क्या था कॉन्टेक्स्ट पे और ने होम नेबार साइन इन वाले, नहीं नेबार था, और नेबार पे आने के बाद मैंने कंडीशन बनाई थी डिलीट, हाँ
ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं, इस पेज को हटा देते हैं। ये और इसकी वैल्यू भी ये करवा देता हूँ। पहले सबसे पहला काम ये कुकीज को डिलीट कर देगा, डिलीट करेगा देन यहाँ पर आते हैं ज़रा, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अनऑथराइज देगा भाई, ये ब्लेंडर दे रहा है ना, ये ब्लेंडर दे रहा है, होम पेज है, सही है, होम पेज पे तो ये यही देता रहेगा। लॉगआउट पे क्लिक करूँ, लॉगआउट पे कुकी डिलीट नहीं कर रहा मैं इसका, मतलब एप्लीकेशन पर आऊँ अभी पता चल जाएगा हमारे पास एप्लीकेशन में ये कुकीज सेव नहीं है, अब तो कुकीज सेफ ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, यूज इफेक्ट का मसला नहीं, वो सब ठीक है, ये भी ठीक है, डिलीट भी कर रहा है। यहाँ आओ, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ मैं बताता हूँ। इफ रीड कुकीज, यहाँ यूज इफेक्ट कीज की कंडीशन के अंदर ही प्रॉब्लम है, वही तो कह रहा हूँ। इफ रीड कुकीज, ये वैल्यूज के लिए मुझे कंडीशन लगाने पड़ेगी। यूजर कहाँ, एक मिनट यार, ये कोड को थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे, नेम पासवर्ड इतना लंबी खिंच जाएगा, चलो देख लेते हैं ये। और यहाँ आता हूँ कंसोल पे, सॉरी एप्लीकेशन मेमोरी पे, डेटा सेव हुआ है, यहाँ आता हूँ और लॉगआउट पे आ जाता हूँ। लॉगआउट आ गया, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये डेटा यहाँ से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। और अगर ये सबमिट करूँ, डेटा स्टोर इसके अंदर सेव है, सर्वर पे जाएगा भाई, तो ये हमारे पास होम पेज आ जाता है। बेटा जी, दूसरे टैब पे हम लोकल खोल रहे हैं, लोकल की होम वाली लिंक दूसरे पेज पे खोल देंगे, लोकल होम, लोकल की होम वाली स्लैश होम, हाँ अनऑथराइज दे रहा है। इस पेज पर भी कंडीशन लगानी पड़ेगी, ये तो जाहिर सी बात है, डायरेक्ट होम चलाएंगे तो इस पेज पर क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। इसके लिए यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पर आओ होम पेज पर, होम पेज पर भी कंडीशन लगेगी, जस्ट लॉग इन है ना, अब ये सिर्फ लॉग इन नहीं रहेगा, यहाँ मैं एंड एंड करके ये वाली कंडीशन भी चेक करवानी पड़ेगी, कहाँ गया कुकीज वाली, ये भी मैच करवानी पड़ेगी कि अगर ट्रू है, और इसके ट्रू होने से हो क्या रहा है, इसके ट्रू होने से हमें ईमेल चेक इफ स्टोर ईमेल एंड पासवर्ड आर वैलिड ये दे दिया, स्टोर्ड ईमेल, और ये रीड कुकीज इक्वल्स टू यूजर, जरा यहाँ पर भी लगा देते हैं, और ईएडी रीड कुकी, ये डबल उठाता है नहीं, चेक किए यूजर कॉमा कॉमा लगा के उठा लेता है, पक्की बात है, पासवर्ड चेक कर लेते हैं, पहले तो ये चलाता हूँ होम पेज, और लॉगिन हुआ है यहाँ आएगा, जरा इधर आता हूँ मैं, लिखता हूँ लोकल होस्ट और डायरेक्ट लिख देता हूँ होम, अनऑथराइज दे रहा है, अनऑथराइज दे रहा है, रीड कुकीज यूजर कुकी ले आए, यूजर और पासवर्ड एंड एंड यूजर इक्वल्स टू, फिर ये लगानी पड़ेगी पूरी कंडीशन, ये वाली कंडीशन लगा लो, कहाँ गई हमारे पास ये जो साइन इन की कंडीशन है ना, इज इक्वल्स टू यूजर डॉट ईमेल वाली, ये और ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी, ये दोनों मैच कर रही हैं, अगर ओके है तो फिर वो लॉग इन रहे, नहीं है तो फिर लॉग इन ना करें। चलो खैर, इसको भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमने नेक्स्ट पेज पर भी जाना है, इस पर यहाँ आते हैं। और ये तो हमने देख लिया कि भाई अब अगर हमारे पास ये पेज अवेलेबल है लोकल होस्ट पर, मैं जब भी जाऊँगा मेरा पेज क्या देगा, वो लॉगिन ही देगा मुझे, ठीक है। वो जो 5 सेकंड के लिए आपको पता है यूज इफेक्ट चलने और सर्वर से रिस्पॉन्ड आ रहा है, उसके दरमियान आप क्या डाल दो, खुद ही लोडर डाल दो, तो जितना टाइम सर्वर रिस्पॉन्डिंग में लेगा उतने टाइम तक ये चल देगा।
अच्छा इसकी भी एक लाइब्रेरी है कि जितना टाइम सर्वर ले रहा है ना, टाइम हमें डिफाइन करना था, आपने बोला 5 सेकंड और सर्वर ने 10 सेकंड ले ली, तो 5 सेकंड के बाद लोडर हट जाएगा, फिर साइन अप का फॉर्म दिखेगा 5 सेकंड तक, फिर नेक्स्ट स्टेप में वो होगा, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। इसकी कंडीशन के लिए भी रिएक्ट की एक लाइब्रेरी होती है जो सर्वर से सर्वर का रिस्पॉन्डिंग टाइम ले लेती है, पता ना सर्वर दे रहा होता है कि भाई 5 सेकंड और वो दे देता है मिली सेकंड, तो वो उतने मिली सेकंड तक जैसे वो टाइम देगा उतने टाइम तक वो चलता रहेगा, टाइम अपडेट होगा लाइव वो चलता रहेगा लोडर, जैसे ही वहां टाइम जीरो होगा हम कंडीशन लगा देंगे जीरो पे ये चीज चेंज हो जाएगी। खैर वो हम जब सर्वर पे आएंगे तो सर्वर पे ये चीज कर लेंगे। अब हमारा मेन काम ये शुरू होता है अभी, इसको तो मैं खैर हटा देता हूँ फिलहाल, ये आप लोग बेटा ट्राई कर लेना, इधर देख लो ये वाला पेज है ना ऑथराइज्ड वाला, ये जो ये वाली कंडीशन है कि भाई पेज तो चल रहा है, क्या चल रहा है, साइन इन करने पर बेहतरीन ये वाला पेज चल रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर होम पेज को अलग से चलाएं तो अनऑथराइज्ड हो जाए, ठीक है। इस कंडीशन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर भी कंडीशन लगा देनी है। अब इस पर आप यहाँ पर दोनों चीजें लेकर आओगे लॉगिन के अंदर, या फिर ये जो कुकीज वाला फंक्शन है ना, कुकीज वाले जो ये वेरिएबल बन रहे इनको आप बनाओ कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, ठीक है। अब जब कॉन्टेक्स्ट एपीआई में बनाओगे एक जगह पर ये क्या हो जाएंगे, इसकी वैल्यू चेंज होगी तो सब जगह पे चेंज होगी, लॉगिन ने चेंज किया सब जगह उसकी वैल्यू चेंज है, अब आप लगा दो इसके अंदर कि भाई इसकी वैल्यू यूजर डॉट है और पासवर्ड है तो चला लेगा, तो ये चेक कर लेना, अगर ना चले तो फिर हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। बाकी अब आगे चलते हैं, हमने यूजर लॉगिन करवाया था, जो मैं लॉग आउट पर आता हूँ, साइन अप का पेज है, लॉग आउट करता हूँ तो वो डेटा हो गया वहां से डिलीट। अब एपीआई के एपीआई के काम पर आते हैं जो हमने यहाँ पर बनाना है। हाँ ये वाला कोड बेटा मैं एक काम करता हूँ आपको दे देता हूँ, आपने सेम एक काम करो, हमारा कोड बिल्कुल सेम है ना सब कुछ, तो आप ये मैं थोड़ा सा कोड देने के बजाय, मैं साइन इन का पेज है ना, साइन इन के पेज का पूरा कोड कंट्रोल है कॉपी, आप वहां जाके साइन इन का पेज खाली करके ये कोड पेस्ट कर दो, चलो जल्दी से ये कर दें, अभी टाइम कम है थोड़ा सा काम बाकी है, और वो कहाँ गया जो मैं दे रहा हूँ ये वाला कोड आप कॉपी पेस्ट कर लो सेम टू सेम, ठीक है, ये सेम कॉपी पेस्ट कर लो ताकि ये चल जाए, कॉपी पे कॉपी करो इसको साइन इन वाले पेज में पेस्ट करो, चेक कर लो चल रहा है, कॉपी कर लो, मेरा पहले से हुआ, अच्छा ये हुआ भाई, ओके सही जबरदस्त, क्योंकि मैं खुद भी चला चुका हूँ सेम तरीके से चलता है, लेकिन मेरे जहन में ये नहीं था हमने एक्सियोस यूज किया हुआ, क्या टोस्टर, अरे यार एक मिनट, आपने मेरे कोड फेंकने से पहले जो है ना वो कॉपी कर लिया इसका कोड, मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल वी करता हूँ दोबारा करो, उसने उसका कोड पढ़ा हुआ होगा इसलिए आपको वो एरर दे रहा है, ये वो रिएक्ट की लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल कर लो तब भी चल जाएगा, क्या साइन इन वाले फंक्शन पे बेटा, साइन इन वाले फंक्शन पे ये कोड कॉपी पेस्ट मारो फटाफट से भाई, और वो कहाँ गया ये बच्चा, क्या साइन इन का बटन मेरे पास तो हो रहा है, मेरे पास तो अब सबमिट भी नहीं हो रहा है, सर एक मिनट रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास तो लॉग आउट का बटन आ रहा है प्रॉपर, ये रहा लॉग आउट, वो तो मैंने कंडीशन लगाई ये ना इधर थोड़ी, मैंने तो वहां लगाई है, मैंने इसकी कंडीशन नहीं बनाई थी नैप बार वाले में तीन, आप एक काम करो नैप बार वाला कोड ये ले लो जो मैं दे रहा हूँ, ये ले लो इसको कॉपी पेस्ट करो, ये नैप बार वाला कोड वो लिखो जो मैंने दे दिया, मैंने सारी कंडीशन बना के रखी हुई है, बस मेरी कंडीशन के अंदर एक्सियोस नहीं था, ठीक है, मैंने एक्सियोस को इग्नोर किया हुआ था, तो अगर आप एक्सियोस के साथ कर रहे होगे तो फिर तो एक्सियोस के बगैर करोगे वही कोड चल जाएगा जो पहले था, ये लो दूसरा, ये बेटा शारेम ये कॉपी कर लो नैप बार में, ये नाम भी चेंज हो जाएगा लॉग आउट के हिसाब से, और हाँ इसमें तीसरी कंडीशन अभी मैंने ऐड नहीं किया, आप एक और इफ एल्स ऐड कर सकते हो, अच्छा इसमें भी मैंने यूज इफेक्ट डाला हुआ है, ये पूरा कोड कॉपी पेस्ट करना क्योंकि मैंने नाम भी हटा दिया, चल गया ठीक है भाई बेहतरीन हो गया, अब आ जाओ यहाँ पर सारा एपीआई से थोड़ा सा खेलें,
हमजा ने एपीआई दी थी, कहाँ है भाई वो? मैंने मॉड्यूल में डाली हुई थी। हमजा क्या क्या है उस एपीआई में? नाम है यूजर का, पिक्चर भी है। जबरदस्त, कमाल कर दिया भाई आप, कमाल किया ना इसने। रिफ्रेश करता हूँ और एयरफोर्स शेयर पे ये एपीआई दे रहा हूँ, आप जस्ट इस एपीआई को ले लें। अच्छा ये एपीआई आपने चेक किया, पोस्ट का मेथड चला रही है या नहीं, पोस्ट एक्सेप्ट भी कर रही है या नहीं, ये भी चेक करना है। खैर ना भी करें, हम कहीं और से गेट कर लेंगे। ये मैंने सेव किया, रिफ्रेश, एपीआई का लिंक आ गया भाई। ये एपीआई अपने पास कॉपी कर लें सब बच्चे। अब यहाँ आते हैं और एपीआई चेंज रखता हूँ मैं, और साइन इन वाले पेज पर आना है। साइन इन वाले पेज पर आकर ये जो एपीआई है ना, इसको चेंज कर दो। जो बच्चे नहीं आए बेटा, आप लोगों से कह रहा हूँ, जो भी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, ये कोड आपको मिल जाएगा। परेशान हो गए होंगे यार, हम कैसे एयरफोर्स शेयर से कॉपी करें, ठीक है? तो आपको ये कोड मिल जाएगा बेटा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप बस तसल्ली से वीडियो देखें। ये रहा, अब ये चेक करना जरूरी है कि भाई ये एक्सेप्टेड करता है पोस्ट या नहीं। नहीं करता तो कोई मसला नहीं, गेट तो देगा, गेट कहीं और से करवा लेंगे, पोस्ट कहीं और करवा के। यार ये जो है ना, कभी कभी ब्लेंडर मार जाता है, रिफ्रेश सही नहीं होता, तो इसके लिए मैं यहाँ आता हूँ और ये इसको सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ और सबमिट करता हूँ। लेट्स मी चेक, परफेक्ट, ये एपीआई तो दौड़ रही है ना, ये मेरे ये आ गई। और लॉगआउट पे आता हूँ, लॉगआउट भी चल रहा है प्रॉपर। अच्छा अभी भी एक ब्लेंडर है इसमें, ठीक है? ये अब बैक कर दिया ना मैंने, ये मसला नहीं, ये मजे की बात है कि देखो ये काम की चीज है। जैसे ही लॉगआउट हो गया, बैक जाने पे क्या दे रहा है, पेज नहीं देगा आपको, ठीक है? उस पेज पर है। खैर आगे जाके हम ये भी करेंगे कि जब वो जाए तो पीछे यूआरएल साफ कर देगा। इसके लिए यूज लोकेशन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। देखो इतने सारे हुक से रट्टा मारने के नहीं है, जब जिस चीज का काम आ गया, यार ये यूआरएल बैक पे क्यों जाता है, यार ये यूआरएल बैक पे सेव रखता है, इसका भी उसके अंदर रिएक्ट के अंदर मेथड दिया हुआ होता है यूआरएल क्लीन करने का, वो पीछे का यूआरएल सारा मिटा देता है। लॉग आउट पे क्लिक करो, इस पेज पे ले गया, पिछला सारा यूआरएल हिस्ट्री का मिटा दिया उसने, अब बैक नहीं जा सकता वो पेज, ठीक है? अक्सर आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट होती है, उस पर एक पेज पे क्लिक करो वो नेविगेट कर जाता है दूसरी साइड पर और वो पिछला पेज ही बंद हो जाता है, वो बैक नहीं जाता उस पेज पे, आप बैक नहीं जा सकते। और अक्सर ये चीज आपने देखी होगी विंडोज के अंदर, विंडो के अंदर किसी फोल्डर पे जाके किसी फोल्डर को डिलीट कर दो, बैक मारो और डिलीट नहीं, बैक नहीं जाने देता, कहता है इस फोल्डर से आपने फाइल डिलीट किया, बैक नहीं जा सकते ऐसे आप, डॉक्यूमेंट वगैरह जब, कहता है बैक नहीं, फिर आप क्रॉस करके दोबारा और फिर बैक जाने देता है। तो ये इस तरह के थोड़े थोड़े टॉपिक्स आते रहेंगे, वो देख लेंगे। अच्छा अब आते हैं यहाँ पर, अब हमने एपीआई तो यूज कर ली, बेहतरीन करके ये होम पेज पे जा रहा है। अब हम सिंपल पहले एपीआई गेट करते हैं, क्या करते हैं एपीआई गेट। गेट करने के लिए क्या करना है भाई, एक्सियोस को लाना है, एक्सियोस को बुलाओ भाई, एक्सियोस को बोलो एक्सियोस डॉट गेट, गेट के अंदर क्या पास करना होता है यूआरएल, तो यूआरएल में मैं लोकल होस्ट कहाँ से आ गया। अच्छा यहीं से साइन इन के अंदर आके कहाँ है भाई, ये डेटा है लेट यूआरएल, तो ये यूआरएल ले आता हूँ यहाँ से। और वैसे एक बात बताऊँ, ये यूआरएल भी हम कहाँ बनाते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर, तो ये बार बार आप मुझे जो है ना यूआरएल बनाना पड़ रहा है यार, एक में वो एक ही यूआरएल में यूज कर सकता था, तो इसको भी आप वहाँ यूज कर सकते हैं यूआरएल डॉट, लेकिन ये कंडीशन के ऊपर है, और डॉट कैच, ठीक है भाई? इन दोनों का ये आ गया और इसके लिए ये आ गया। और वो टाइम कम है, अभी हम देन पर आ जाते हैं। देन पर आने के बाद एक हम फंक्शन चलाते हैं, ये फंक्शन क्या करेगा, रिस्पांस देगा। रिस्पांस में हम चेक कर लेते हैं क्या चीज मिल रही है, रिस्पांस, और रिस्पांस में करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और ये होगा क्या देना है भाई इसने, सॉरी रिस्पांस और डॉट डेटा, इसमें देख लेते हैं क्या डेटा मिल रहा है। सेव करता हूँ और यहाँ आता हूँ, कहाँ गया ये ब्राउज़र, ये रहा, इसमें आने के बाद सबमिट करता हूँ, इनवैलिड यूज़र और पासवर्ड भाई 1 2 3 4 5
सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये जो दे रहा है ना, ये सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग हो ना तब उसकी वजह से दे रहा है। यहाँ आता हूँ कंसोल पे चेक करता हूँ, डेटा हो गया भाई 90 यूजर हैं भाई इसमें। क्या क्या है उस यूजर में? ईमेल, पासवर्ड और नेम और रोल, और क्या है भाई, वाओ अवतार है, क्रिएशन एट है, ईमेल, काफी सारी चीजें हैं हमारे पास। चलो बेहतरीन हो गया, ये आ गया। और ये डेटा, डेटा हमारे पास क्या है, ये करके जीरो प्रिंट कराओ। हाँ एरे है ना, वाओ एक एरे दे दिया। अब डेटा डॉट लगा के क्या था उसमें, क्या क्या नाम है, ईमेल, ईमेल जबरदस्त, इसको सेव करता हूँ और ईमेल आ गया जी वाला, परफेक्ट हो गया भाई, बेहतरीन हो गया, हमें ये चीज मिल गई, मैंने जस्ट ये चेक करने के लिए लिया। अब यहाँ आते हैं, अब इधर आने के बाद होम पेज पे जो चीज हम बनाना चाहे यहाँ बना सकते हैं। फिलहाल इतनी, अब हमने वैसे तो मेरा इरादा था पूरा जो गिटअप वाला सेक्शन है ये हम बनाते हैं, अब ये बनाने बैठेंगे तो हमें हाफ आवर चाहिए तो टाइम लगेगा, मैं सिर्फ बूटस्ट्रैप से काट, वरना ये बनाना था पूरा, मैंने ये वाला पेज है ना ये मैं आपको पूरा बना के दे देता, ये वाला, इस पेज में कोई मसला नहीं। आपने क्या करना है, नेवबार है आपके पास सेम, ठीक है, यहाँ एक पिक्चर, ये वाला सेक्शन है और इस सेक्शन में दो तीन कार्ड डाल के यहाँ कुछ भी डाल दो, ये पिक्चर वहां से आएगी। मैं फिलहाल एक काम करता हूँ कि एक कार्ड लेकर आता हूँ सिंपल, अब इसके अभी तो सारे कार्ड प्रिंट कराऊंगा, फिर कार्ड कहाँ से प्रिंट कराऊंगा, अगले कार्ड कहाँ से प्रिंट होंगे, ईमेल और पासवर्ड मैच करके कार्ड प्रिंट होगा, ठीक है, अगला टास्क हमारा वो होगा। पहले हम सिंपल ये बूटस्ट्रैप पर आते हैं, बूटस्ट्रैप 5 पर यहां आते हैं। मेरी कोडिंग थोड़ी वीक हो गई है, मैं करता ही नहीं हूँ ना आपको काफी टाइम से, बस जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, प्रोजेक्ट छोड़े हुए हैं, बंदों के साथ काम नहीं कर रहा इस वजह से। अच्छा ये मैंने अभी क्या कॉपी किया, बूटस्ट्रैप का कार्ड कॉपी किया, ये लिंक तो ऑलरेडी लगा हुआ है, हाँ लिंक ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मुझे बूटस्ट्रैप में क्या चाहिए, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट के अंदर मुझे चाहिए कार्ड, कार्ड में एक जबरदस्त सा छोटा सा सिंपल ये कार्ड चाहिए बस, कॉपी, और इस कार्ड को आगे कर देता हूं यहां पर इस डिव के अंदर, पेस्ट, पेस्ट होता है, ठीक है भाई, आईएमजी, और इसको कर देता हूं स्लैश, अबे भाई स्लैश सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, सर्वर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा भाई आपका सर्वर, पोस्ट रिक्वेस्टें बहुत गई हैं इस पर, स्टाइल, स्टाइल वाला प्रॉप्स नहीं, स्टाइल लगा हुआ है इसके अंदर प्रॉप्स में, स्टाइल को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, दो बार ऐसे लगाना होता है, और आई थिंक ये यहाँ से विड्थ हटानी होती है और इस पार्ट को ये हटाकर इसमें लिखना पड़ता है, ऐसे उठाना ये स्टाइल, ऐसा ही है, अरे इससे थोड़ी सी तंग है हम, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, अच्छा इसका भी हल है, यहाँ सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग का मतलब पोस्ट नहीं ले रहा, अभी हमें पोस्ट से काम ही नहीं है, पोस्ट को छोड़ के गेट, ये गेट का मेथड लगा के मैंने डेटा गेट कर दिया। अब इसमें जो चीजें आ रही है ना वो मुझे मंगवानी है कहीं से, तो उसके लिए मैं एक काम करूंगा, यहां पर चलाऊंगा थोड़ा सा काम, और उसके लिए मैं इस डेटा को जो है फिलहाल करता हूँ कट, और मैं चलाता हूं, अगर ये हो तो क्या हो, यहां आता हूं डेटा डॉट मैप, मैप का मेथड चला देना इस पर डेटा पर, और डेटा पर, और एक मिनट ऊपर मेरा ख्याल है डेटा को मैंने एक्सप्लेन भी किया था, हाँ ये किया था, एक वो यूज इफेक्ट के बगैर थोड़ी होगा ये, यहाँ आते हैं कॉन्स्ट और डेटा या यूजर्स, यूजर्स यूजर्स कॉमा सेट यूजर्स इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, ओ क्या है स्टेट,
और यूज स्टेट, और यूज स्टेट में ये क्या देगा डेटा नल एरे ताकि इस पर वो लग जाए। और यहाँ आने के बाद रिस्पॉन्स में मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेट डेटा जो है, सेट यूजर जो है उसको बराबर कर दो रिस्पॉन्स डॉट डेटा के, ये एरे आ गया इसके बराबर कर दो। अब बोलता हूँ मैप मेथड चलेगा, ये मैप मेथड एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर आ गया। मैं इस कॉल बैक फंक्शन में ये चीज़ क्या करती है, एलिमेंट्स देती है, एलिमेंट्स। तो पहली चीज़ एलिमेंट्स, ठीक है, और सॉरी ये नहीं, यहाँ लेगा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। अब यहाँ आता हूँ और इसके साथ मुझे क्या करना है, ये एक चीज़ रिटर्न करेगा, रिटर्न में क्या होगा, एक मिनट के लिए रुक जाना, थोड़ी सी चीज कंटिन्यू करते हैं बेटा। ये देख लो मैं अभी आपको यूजर मैप मेथड इस वजह से चलाता हूं कि अब मैंने आपको मैप मेथड रटवा दिया, मेरी नजर में मैंने आपको मैप मेथड अच्छे से रटवा दिया, इसलिए इसको ज्यादा लेके चलता हूं। रिटर्न करता है मैप मेथड, क्या रिटर्न करता है भाई, ये हम इसमें ये भी ले सकते हैं, अरे एक रैपिंग लेता है ऐसा ही है, इस रैपिंग के अंदर मैं कुछ भी रिटर्न करवा सकता हूँ। और यहाँ पर मैंने वो डेटा सेव किया हुआ, ये दे दिया मैंने, ठीक है भाई। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, काम यूज करूँगा, या कार्ड टाइटल है इसको हटाता हूँ, मैं लिखता हूँ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स डॉट, और एलिमेंट्स डॉट में यहाँ पर आएगा उसका नेम की जगह क्या लिखा हुआ था बेटा, ब्रैकेट कौन सा, ओ हाँ गुड हो गया, एलिमेंट्स डॉट नेम। हाँ वो एक बच्चा कोई ओपन कर ले यार, क्या वो कहाँ है यूआरएल, चलो देख लेते हैं, एलिमेंट्स डॉट नेम आएगा एक तो ये, और एक मिनट, सेट डेटा यूजर, सेट डेटा बराबर रिस्पॉन्स के, और डेटा डॉट मैप सेव किया, यहाँ क्या एरर है, एरर बहुत सारे हैं, होम डॉट जी एस एस, डेटा इज नॉट डिफाइंड, भाई डेटा डिफाइन कर दिया मैंने, अब डेटा इज नॉट डिफाइंड, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, मैप में जो डेटा लगाई है मैंने एक्सप्लेन किया ना ऊपर, ये रहा भाई आपको बताया, अच्छा वो तो यूजर है, यूजर ये डेटा नहीं, ये यूजर है, सही बोल रहे हो, हाँ। अब आते हैं यहाँ पे, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, नेटवर्क एरर, एक्सियोस डॉट एरर, एक्सियोस का एरर आ गया, जॉन मारिया एडमिन सबके नाम आ गए, ठीक है भाई। अब इनकी अवतार भी लानी है भाई, अवतार के लिए क्या लफ्ज दिया है, एयरफोर्स शेयर पर है ना ये, एक मिनट में यहाँ आ जाता हूँ, एपीआई पे नाम दिया हुआ होगा, ओ ये क्या है भाई, हाँ अगली चीज इमेज के लिए, इसी मेहमद सुलेमानी साहब, इमेज के लिए ये हटाता हूँ और यहाँ आता हूँ एलिमेंट्स डॉट, और एडमिन है कहाँ गया, अवतार वाली, अवतार, अच्छा एक और चीज बता दूं, ये जो नहीं आप कहीं कहीं देखेंगे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट में आप लिखते हैं नेम और कॉलन और डबल कोटेशन लगा के ये उठाते हैं, जावास्क्रिप्ट दोनों तरफ स्ट्रिंग अगर लिख दो उठा लेता है, और ये असल में मेथड किसका है, पाइथन का है, ठीक है भाई। ये अगर ऑब्जेक्ट कोई बनाते हैं ना ऐसे, ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं नेम बराबर है बिलाल के, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ना ये तरीका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो चीज है ना ये यूज होती है उसमें, क्या नाम है, पाइथन का कोर पाइथन है, लेकिन यहां पर भी ये क्या करता है, इस चीज को उठा लेता है ऑब्जेक्ट की वैल्यू को। अच्छा पहले यहां आता हूं एलिमेंट्स डॉट, और ए अवतार मैंने कॉपी किया था, अवतार ये भी हो गया, अगली चीज क्या है, डिस्क्रिप्शन है उसमें कुछ, डिस्क्रिप्शन में क्रिएशन ये लिख देता हूं, क्रिएशन एट, क्रिएशन एट ये टांग गया, दोनों चीजें मिला के लिख दूंगा,
एलिमेंट्स डॉट क्रिएशन एट, और इसी के साथ एलिमेंट्स नेक्स्ट वीक अपडेट एट डॉट लगाना है, डॉट। ये इतना हो गया सेव, ये हो गया, और इसको भी ले आता हूँ ऊपर। भाई अगर ये टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन ट्रू होती है तो ये चलेगा। यूज़र मैं वाला मैप, मैप में आता हूँ, यहाँ आता हूँ और ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। बेहतरीन हो गया, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, इसको चल नहीं रही, डेटा लोड नहीं हो रहा। और अच्छा एक और बात, ये फौरन से चलते साथ सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग क्यों देता है? वो लॉगिन होने की कोशिश करता है, सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। दोबारा जब रुक के हम चलाते हैं उसके बाद ये दोबारा चलना शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, ये चीज़ तो हमने देख ली, ये चीज़ चल गई। और अब इन कार्ड्स को हम अगर वो करना चाहें डिव विव में डाल के, इसको अगर एक डिव में डाल के इनको डिस्प्ले क्या कर दूँ, फ्लैक्स कर दूँ, तो ये एक एट अ टाइम एक उसमें आ जाएंगे। यहाँ आकर लिख देता हूँ डिव, और ये अरे डिव, और इसको कर देता हूँ क्लास नेम, और क्लास नेम कर देना है डी फ्लैक्स। एक चीज ये, और अच्छा हाँ कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह करने का, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैप मेथड के अंदर हर एक के लिए ये खाली चल रहा है ना। तो इसको तो जाहिर सी बात है ये इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस डिव के अंदर डालकर इसको फ्लैक्स फ्लैक कराना पड़ेगा, या जहाँ ये आ रहा है डिव क्लास ने डी फ्लैक्स, शायद यहाँ चल जाए। ठीक है भाई, एरर देगा, क्योंकि वजह ये कि ये यहाँ पे भी नहीं, हमने ये चलाना पड़ेगा जहाँ ये ऑब्जेक्ट ला रहा हूँ मैं, होम काम पर लाया हूँ, होम इंपोर्ट कराया है ऐप में, ऐप कहाँ है ऐप में, चलो खैर हम बाद में देख लेंगे यार, ये करते रहना डिजाइनिंग से हवाले से। अच्छा ये चीज़ तो अब हमारे पास आ गई, हमने देख लिया, नाम भी आ गया, पिक्चर भी आ गई। अब हमने इसको ऐसे नहीं चलाना, मैं चाहता हूं एक यूजर लॉगिन हो, ईमेल और पासवर्ड का यूज करते हुए क्या हो, एक यूजर लॉगिन हो। अब इस पर आते हैं यहां पर, और इस चीज को जरा सेट करते हैं। इसके लिए मुझे ये नहीं चलाना, इसके लिए कौन सा मेथड चलाना पड़ेगा, फाइंड का मेथड चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा, फाइंड। और फाइंड का मेथड क्या करता था, किसी को याद है कुछ? फाइंड का मेथड हमने लगाया था ना, किस उस पे लगाया था, कोड पड़ा हुआ इस पे नहीं, दूसरे वाले पे लगाया था मेरा ख्याल, एक्सियोस रिएक्ट, एक्सियोस वाले पे शायद लगाया था। इस पर हम देख लेते हैं, अगर मुझे याद आ रहा है इस पर है, अगर इस पर है तो बस देख लेते हैं फटाफट से, बना हुआ होगा तो ईजी रहेगा। फाइंड यूजर, हाँ ये रहा, डेटा डॉट फाइंड ऑब्जेक्ट डॉट लॉगिन बराबर है, और ये तो फिर ये दिखाएगा। और यहाँ आने के बाद हमने पास किया था यूजर फाउंड, अगर यूजर फाउंड ट्रू हो जाता है तो फिर ये वाली कंडीशन ये चलाएगा। और यूजर फाउंड ट्रू हो जाता है लॉगिन, यूजर फाउंड वाली वैल्यू, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा ऊपर सबसे पहले तो। पहला काम है, इसी को कॉपी करता हूं मैं फिलहाल, यूजर फाउंड, और डेटा डॉट है, और इसकी जगह हम ये करेंगे, इसको भी बंद कर दूं। हाँ यहाँ आते हैं हम, कैच वैच खत्म, यूज ऑथ कहाँ है भाई, होम पर ही हो, लॉगिन को यहाँ क्यों दिखा रहा भाई, ये यहाँ करना है। लास्ट काम रह गया, बस ये करेंगे, यहाँ तक हमारा रिएक्ट का टॉपिक क्लोज। भाई ये मैंने एक यूज़र बना दिया, यूज़र डॉट फाउंड क्या कर रहा है, हम इसको बनाते हैं, ये करेगा वाकई यूज़र लेके चलेगा, यूज़र डॉट फाइंड ऑब्जेक्ट डॉट लॉगिन, और ये रहा डॉट लॉगिन बराबर है लॉगिन के। अब ये लॉगिन भी देखना पड़ेगा भाई, लॉगिन हमारे पास क्या है, इस वाले कोड के अंदर, ये वाले कोड में लॉगिन कहाँ से आया, लॉगिन ये रहा प्रॉम्प्ट के थ्रू आया, ठीक है, इसके इक्वल लाना है। अब ये कहाँ से आएंगे हमारे पास, ये क्या है हमारे केस में, हमारे वाले केस में ये है
इन वो जो इनपुट दिए हैं वो दोनों, ठीक है ये हम देख लेते हैं। अच्छा ये हो गया, अगर ये हो जाए तो फिर यूजर फाउंड के हिसाब से इसने दिया हुआ है, यूजर फाउंड ट्रू, तो यूजर फाउंड डॉट अवतार, और ये हमने लॉगिन दिया हुआ है, लॉगिन ट्रू हो जाए, लॉगिन ट्रू हो जाने के बाद ये कंडीशन चलेगी, यहां पर भी एक चीज चेक करेगा यूजर फाउंड दोबारा से चले, और ये वाली चीज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ खैर यहां से फिलहाल में, ठीक है भाई परफेक्ट हो गया। इनवैलिड इनवैलिड डबल कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगा दी है मैंने, इसको भी लेकर आता हूँ यहाँ से एंटर, यूजर फाउंड, और अगर हो तो इसकी वजह से यूजर फाउंड अवतार है, हमारे वाले में क्या केस में सिर्फ अवतार, और यहां पर क्या यूजर डॉट नेम, और क्या है यहां पर यूजर डॉट आईडी, हमने क्या करवाना है यूजर डॉट, एक तो पिक्चर हो गई, दूसरा क्या करवाया था यूजर डॉट नेम था, और यूजर फाउंड डॉट, अब ये यहां आ जाते हैं भाई एपीआई के ऊपर, एपीआई में मौजूद वहां से कुछ उठा लेते हैं, एपीआई कहां है, एपीआई बंद कर दी मैंने, एयरफोर्स शेयर पर है ना, यहां आता हूं इससे वर्ड उठा लेते हैं, इंटरनेट बंद हो गया क्या, हाँ ये रहा, क्रिएट ऐड कर देते हैं, क्रिएशन ऐड डॉट क्रिएशन ऐड, तो ये तो चल गया हमारे पास, डॉट सेट यूजर को इसके बराबर सेट कर देगा ये डेटा के, और यहाँ आऊंगा मैं यूजर डॉट फाइंड, फाइंड में अगर ये चल जाए, अब ये लॉगिन और आईडी नहीं डिसाइड हुई भी, यूजर और आईडी नहीं डिसाइड हुई, अब इसको यहाँ, अब ये एक बात आपने समझनी है लास्ट, कि ये लॉगिन और आईडी कहाँ मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। अच्छा एक और चीज, ऑब्जेक्ट डॉट लॉगिन दिया हुआ इसने, हम क्या देखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल, क्योंकि वहां ईमेल है, और दूसरी चीज क्या है पासवर्ड के लिए वहां क्या वर्ड है जो दिया हुआ है, ईमेल और पासवर्ड, ये क्योंकि वही सेम चीज चेक करेगा पासवर्ड, ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल, ऑब्जेक्ट डॉट पासवर्ड, अब यहां जो मैच करवाना है ना ये, इस चीज को यहां ला ऐसे नहीं सकता, इसको यहां लाने के लिए मुझे ये यहां साइन इन से वैल्यू उठानी है, और साइन इन में जो वैल्यू आ रही है वो कहां से आ रही है, किस वेरिएबल से आ रही है, वो आ रही है ई डॉट चेंज के हिसाब से, ई डॉट चेंज, ठीक है भाई, ऑन चेंज पर जब मैंने ये क्लिक किया तो ये वैल्यू यहां पर आ गई, ये तो इसने ऐसे नॉर्मली वैल्यू सेट कर दी। अब मुझे ईमेल और पासवर्ड के अंदर ये वैल्यू सेफ है, ईमेल और पासवर्ड, इसके लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसको मैं हर जगह यूज कर सकूं, तो मैं यहां आता हूं और ऑथ में आता हूं, मैं यहां इसमें कॉन्टेक्स्ट में आकर दो वेरिएबल बनाऊंगा, एक ईमेल नहीं यूजर मेल कर देता हूं कॉपी और सेट मेल, फिर देन कर देता हूं पास कॉमा सेट प्लस पास, ठीक है भाई ये मैंने यहां पर वैल्यूज दे दी, और एक मिनट ये तो मैंने इधर दे दिया भाई, इनको कॉपी करो यहां से कट करो, बल्कि यहां लाओ लेट कर दो, लेट और ये इस चीज को यहां से कट करना है, कट इट फ्रॉम हेयर, और बराबर है यूज स्टेट के, स्टार्टिंग में वैल्यू स्ट्रिंग खाली होगी, सेम चीज इस चीज को यहां आता हूं लेट ये चीज पेस्ट यहां रिक्वेस्ट टू, और यूज स्टेट में ये वैल्यू खाली, अब इन चारों को जो है वन बाय वन कॉपी, यहां पर मुझे इंपोर्ट करवाना है, फिर कॉपी और इसको भी यहां पर क्या करना है इंपोर्ट करवाना है, सेट हो गया, और ये अब ये ऑथ के जरिए मैं इसको कहीं पर भी इंपोर्ट करवाकर यूज कर सकता हूं, तो मुझे यहां आना है यूज ऑथ के जरिए, जैसे यहां पर ये लाया हूं तो यूज ऑथ में दो चीजें और लानी पड़ेंगी, ईमेल और पासवर्ड, सेट के जरिए, सेट कहाँ है, सेट लॉगिन, सेट लॉगिन नहीं नहीं
सेट मेल, सेट मेल, सेट मेल से वैल्यू सेट करवानी है। सेट मेल की वैल्यू कॉपी की, यहाँ आया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, क्योंकि मेल की वैल्यू यहाँ से सेट होगी खाली, इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ सेट मेल और सेट पासवर्ड, ताकि जैसे ही वो बंदा लॉगिन पे क्लिक करे सेट ईमेल और सेट पासवर्ड की वो वैल्यू सेट हो जाए जो उसने यहाँ से सेट की है, वो आगे भेज देगा। अब वो जो नाम और ईमेल होगा उसको मैं फाइंड में यूज करके मैच करवा दूंगा। अगला काम करता हूँ यहाँ पर होम पर दोबारा, और कॉपी करके ये यहाँ पर मैंने कर दिया। अब इसको समझते हैं। अब सेट पास और इसके अंदर आता हूँ, एक मिनट, ये तो यूजर डॉट फाइंड में ले आया मैं, इसको यहाँ नहीं साइन इन पे लेके जाना है, सॉरी कट इट, और साइन इन पर ये चीज़ मैंने साइन इन पर लानी है, ये सेट के हिसाब से हर चीज़ देखो यहाँ सेट हो रही है। अब ऑन चेंज हैंडल पे चलेगा, ऑन चेंज हैंडल पर क्लिक पर जब सबमिट होने लगे, यूज इफेक्ट पर नहीं, सबमिट, सबमिट कहाँ है, इफ ये वाला मैच करता है, यू आर एल रिस्पॉन्स में ये जा रहा है यहाँ ट्रू होने के बाद, तो पहला तो सेट लॉगिन था, सेट मेल, और अगली चीज है सेट पास। अब ये देखना है कि वो वेरिएबल ग्लोबल हैं या नहीं, पीडब्ल्यू और ईमेल, पीडब्ल्यू और ईमेल मैंने यहां पर यूज किया है, पीडब्ल्यू और ईमेल, डॉट वैल्यू सेट हो गई ईमेल की, और ईमेल की ऑन चेंज पे जो वैल्यू सेट हुई है वो सेट करके आगे दे देगा। ईमेल और पीडब्ल्यू यहां इसने कहां यूज किए, यूजर डॉट ईमेल, मसला ये मैंने तो नॉर्मल ये सेट किया है ना, ये तो उससे चल ही नहीं रहा, हाँ ये इससे इसके बराबर तो चल ही नहीं रहा, तो स्टोर्ड जो डेटा है वो यहाँ पर आ रहा है, स्टोर्ड ईमेल के बराबर और स्टोर्ड पासवर्ड के बराबर, इसको सेट कर देता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ होम पर आता हूँ, अब होम पर मुझे लेकर आनी है दो चीज़ें और, सेट यूज़र और पासवर्ड, ये कौन सा है, सेट यूज़र और पासवर्ड कर दिया। अब यहाँ पर मुझे यूज़ ऑथ से दो चीज़ें लानी है, एक है मेल, दूसरा क्या था, पास, पास ही था ना खाली, पास और सेट पास, सही है भाई। अब ये जब हो जाए तो इनकी वैल्यू यहाँ पर पास कर देनी है, अगर यूज़ इफेक्ट बराबर हो, ऑब्जेक्ट बराबर हो, इसके और इसके, किसके इज इक्वल टू, मेल मेल के बराबर हो जाए और ये पास के बराबर हो जाए। अब ज़रा चेक करते हैं हम क्या किया है हमने, अब कोड ही बताएगा जो भी हुआ है, ठीक है। अपनी तरफ से हमने ये चीज़ देख ली है, इसको हटा देता हूँ, यहाँ आता हूँ रिएक्ट पर, यूज़र ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड, यूज़र ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड, यूज़र ईमेल वहाँ से जो डिलीट किया उसको मैं वापस ले आता हूँ, ऑथ पर आता हूँ, नहीं साइन इन पर आता हूँ, अच्छा एक और भी काम है यार, यहाँ पर भी तो ये चीज़ देखेगा कि ये वेरीफाई करेगा, यहाँ पर भी तो इसने वेरीफाई करवाना है, यहाँ मैंने क्या करना है, वेरीफाई भी तो करवाना है। अब वेरीफाई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इस डेटा को यहाँ पर भी एग्जीऑस को गेट करना है, और यहाँ पर डेटा क्या करवाना पड़ेगा, मैच कराना पड़ेगा। अच्छा मैच कराने के लिए हमने क्या कंडीशन लगाई थी ईमेल पे, इंक्लूड्स की, या फाइंड वाला मेथड आप लगा दो, ये मैच कर रहा है या नहीं, काम करते हैं हम फटाफट से, चलो इंक्लूड्स कहते हैं, लंबे मेथड नहीं लगाते हम, एक काम कर लेते हैं इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि कोड प्रॉपर चल रहा है नहीं, सिंपल इस चीज को और ये वाली चीज जो लिखा हुआ है ईमेल और पासवर्ड, ये कंडीशन मैंने ये लगाई, हम ये पासवर्ड यूज कर लेते हैं ईमेल और पासवर्ड जो उस एपीआई में दिया हुआ है, मतलब यहां अगर एपीआई वाला ईमेल और पासवर्ड होगा तो वो एपीआई में जिस बंदे का होगा उसका कार्ड दिखाएगा, बाकियों का नहीं दिखाएगा, हम ये चीज वेरीफाई कर लेते हैं, बस इतना कोड कर लेते हैं, इतने कोड करने में हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो एयरफोर्स शेयर पर आता हूँ, ये ओपन करता हूँ, और ईमेल क्या है, जॉन, ये कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और अगली चीज़ क्या है, पासवर्ड,
पासवर्ड के लिए मैं आता हूँ, जॉन का पासवर्ड है चेंज मी। अब चेक कर लेता हूँ यहाँ पर चेंज मी वाली जगह, ये पासवर्ड। चलो भाई अब तो कंडीशन वही है सब कुछ, अब अगर ये ईमेल होगा ये पासवर्ड होगा तो लॉगिन होगा, जब लॉगिन होगा तो इन दोनों को, अच्छा सेट मेल वाली जगह कुछ सेट भी नहीं किया ना, तो सेट मेल वाली जगह इनको कर देना भाई, बेशक ईमेल, एक मिनट, और पासवर्ड की जगह। अब ईमेल और पासवर्ड की जगह क्यों दे रहा हूँ, ताकि वो जो वहाँ पर दिया हुआ है उसी के बराबर सेट हो जाए। यूज़र डॉट ईमेल आएगा, सॉरी यूज़र डॉट ईमेल, और यूज़र डॉट ईमेल डॉट पासवर्ड, यूज़र ईमेल डॉट पासवर्ड, ये दोनों में यही लिखा है। चलो अब ज़रा चेक कर लेते हैं अपनी कंडीशन, ये भी ओके, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेट करवा दिया मैंने। यहाँ आता हूँ और रिएक्ट ऐप बंद कर दी, लोकल होस्ट 3000 पर आता हूँ, बिलाल सिद्दीक नहीं चलेगा भाई, यूज़र ईमेल भी नहीं, वो जॉन का नाम कॉपी किया था, इसके पासवर्ड की जगह ये आएगा। पासवर्ड क्या है, चेंज मी, सी एच ए एन जी एम ई, कहाँ गया पासवर्ड है चेंज मी। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट देता है, और एरर देगा तो हमें पता चल जाएगा। इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, क्यों भाई यार, ये तो यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए ना, इस वाले में तो ये पंगा होना ही नहीं चाहिए। ईमेल ये सेट कर दिया, पासवर्ड ये सेट कर दिया, अगर ये सेट हो जाता है तो ट्रू करो और इनकी वैल्यू ये कर दो और नेक्स्ट पेज पे चले जाओ, लॉगिन सक्सेसफुल, यही लगाए इसकी कंडीशन में। ये ले जी, हाँ एपीआई का एक एरर दे रहा है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तो इसको चेंज मी वाला पासवर्ड दिया ना मैंने भाई, ये सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है सब में। इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड कैसे हो सकता है भाई, पासवर्ड और ईमेल तो मैं सेम ही दे रहा हूँ ना। हाँ एट द रेट, चलो यार ये वहाँ क्या दिया है, john@mail.com भी है ना, मैंने .com नहीं कॉपी किया, और किया है यार सेम चीज कॉपी पेस्ट की हुई है, ये भी कॉपी किया हुआ है, चेंज मी वहीं से सेम चीज कॉपी पेस्ट की हुई है। अभी तो कुछ भी कर रहा हूँ, अभी तो मैं यही तो कह रहा हूँ लॉगिन, ये नेक्स्ट पेज पे तो जाएगा, वहां जाके एरर दे दे कुछ भी दे दे वो एक अलग चीज है, लेकिन नेक्स्ट पेज पे तो जाएगा ना, अभी तो मैं एपीआई से थोड़ी वेरीफाई कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ईमेल ये रहा पासवर्ड ये रहा, अगर जो स्टोर डेटा है वो यूजर ईमेल और यूजर पासवर्ड के बराबर है तो ओके हो गया। अब जरा सबमिट करके देखते हैं, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले क्या था पासवर्ड और ईमेल, हाँ एक मिनट रुक जाना, ईमेल यूजर डॉट ई मेल, सदर ई मेल, और अगली चीज क्या है, यूजर ई मेल डॉट पासवर्ड। अब एक काम करता हूँ मैं, इसी को आता हूँ बिलाल सलन, और अब ये जाएगा नेक्स्ट पेज पर, सबमिट, एक मिनट, हाँ मैं समझ गया एरर क्या है, लॉग आउट किया, इंस्पेक्ट पे गया, अब जरा मुझे ये देखने दो, कंसोल पे जाऊंगा और एप्लीकेशन पे जाता हूँ, कुकीज खाली, अब जरा चेक करता हूँ मैं ये चीज कहाँ है भाई, ये जॉन और पासवर्ड है चेंज मी, ये क्या चक्कर है, कहाँ कोड के अंदर, अच्छा अरे भाई
चेंज मी और ये तो याद हो गया भाई, सी एच ए एन जी ई चेंज एम ई मी, सही है। ओ एच एन इसकी आईडी हैक हो गई, एक मिनट, सी एच ए एन जी ई चेंज एम ई मी यार, कुछ भी करके देख लो, जी मेल यहाँ भी कर दो, जी मेल एट द रेट, नहीं 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 ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इतनी अन्नी नहीं मची हुई यार, ये दूसरी ये चला रहा है। अरे एक मिनट ना, नहीं नहीं एक और चीज भी तो है, हमने ये कंडीशन भी तो दी है कि पोस्ट का मेथड लगाया, अगर यूजर पहले से साइन अप में रजिस्टर्ड होगा तो वो भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। दो बार दिया बिलाल ने एड जी, ऊपर भी दिया और नीचे भी दिया, कहां कहां दिया है ये राइट, ये यहां पर एक सबसे नीचे और कहां दिया है बिलाल एट द रेट जी, इंस्पेक्ट में एक लॉगिन यूजर के नीचे, कहां पर नीचे 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 कोड है, नीचे लॉगिन यूजर का कोड पड़ा है, नीचे गिरा ऊपर लॉगिन यूजर का कोड बंद पड़ा, पोस्ट यूआरएल नेम बिलाल यहाँ, ये अबे अल्लाहु अकबर यार, अल्लाहु अकबर, अल्लाह क्या कर रहे थे, अब दिमाग सुन हो गया, हटाओ यार इस पूरे को, है कहाँ लिखना है भाई, यही नाम है जॉन, जी मेल नहीं है, मेल है, इसको इसको तो अभी लॉगिन मार के ही जाते हैं, सबर कर जाओ, सी एच ए एन जी चेंज एम ई मी चेंज मी, अब बताओ और कहाँ है, और कहाँ दिया हुआ है, यूज इफेक्ट में, एक तो ये रहा सेफ, इसको बंद कर दो, और दूसरा यूज इफेक्ट में कहाँ है, ओहो यूज इफेक्ट में ये रहा, जी मेल हटा दो ना, और ऊपर भी जी मेल हटा दिया, भाई अच्छा अभी इसको ज़रा करते हैं कॉपी, यहाँ आते हैं इसको कट करते हैं, यहाँ आते हैं और ये करते हैं और इंटर मार देते हैं, जे ओ एच एन एट द रेट एम ए एल मेल डॉट कॉम, यही था और पासवर्ड था सी एच ए एन जी एम एम ई, इनवैलिड यूज़र, चलो लॉगिन की तरफ चला गया ये, पासवर्ड सी एच ए एन जी ई एम ई मी चेंज मी जॉन मेल डॉट कॉम, अब यहाँ आ जाओ जॉन एट द रेट जॉन, हाँ अभी देख लेते हैं अगर हमारे वाले में फर्क है, कॉपी यहाँ पर भी और वहाँ कहाँ है, एक और जगह भी है ना, ये यार ये जो दो दो जगह आ गया है ना इसने पागल कर दिया, कहाँ 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 है नीचे, नीचे अल्लाह अल्लाह ये रहा चेंज मी, अच्छा तो लॉग आउट कर लेते हैं भाई, यहाँ एक काम करता हूँ कुछ भी नहीं करता, कॉपी पेस्ट मारता हूँ सिर्फ, अगर कॉपी अगर लिखते हुए गलत किया था तो लॉगिन हुआ कैसे, समझे बात, अगर लिखते हुए मिस्टेक किए तो लॉगिन कैसे हो गया, बात तो ये है ना, यहाँ से लॉगिन हो रहा है, ये सेम मैच हो रहा है, इनवैलिड दे रहा है, ओके भाई ठीक है, एक मिनट यहाँ देख लेते हैं ये, बस एक मिनट बेटा, अरे क्या हो गया, वैसे 10-15 मिनट पहले छूट जाते हो, आते लेट हो, बस एक मिनट रुक जाए खाली, हम ये लास्ट चीज सेट कर जाए, सेट लॉगिन ट्रू, सेट मेल यूजर डॉट ईमेल के बराबर और यूजर डॉट पासवर्ड के बराबर, इसकी वैल्यू सेट कर दी, सेट हो गई, मेल पर आता हूँ, यहाँ मेल और पास यूज किया है,
ऑथ का तो काम ही नहीं है भाई, ऑथ हो गया पास मेल, और एक मिनट यूज ऑथ, बस होम पर जहाँ ये प्रिंट करा रहा हो ना वहाँ एरर आ रहा है, यूजर फाइंड और ये। अच्छा एक काम कर लेते, आपने वो दो वो दिए हैं ना, एक इनवैलिड दिया है उसी से अलग वैलिड दिया था। हाँ ये वाली कंडीशन चल रही है ना, यूजर फाउंड नहीं हो रहा, यूजर उसको मिल ही नहीं रहा। मसला ये है अगर यूजर जो है ईमेल जो है यूजर का वो बराबर हो जाए मेल के, मतलब ये वाला मेल और वो वाला मेल मिल जाए, इसका मतलब यहाँ एरर आ रहा है, ऑब्जेक्ट जो है ना वो पहचान नहीं पा रहा। अब यूजर डॉट फाइंड सेट यूजर्स, यूजर डॉट फाइंड का मेथड चलाया, फाइंड का मेथड एक ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल। अब यहाँ अगर मिस्टेक है तो है, एंड एंड और पासवर्ड भी मैच करना चाहिए। अगर ये कर देता हूँ भाई, एक कंडीशन लगा देता हूँ सिर्फ ये मैच कर जाए मेल के, और इससे भी आसान काम ये है कि कंसोल डॉट लॉग पे मेल को प्रिंट कराओ, पता चल जाएगा क्या आ रहा है। इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, कंसोल पे आता हूँ, एरर आ रहा है एग्जॉस्ट का एरर। चलो यहाँ स्टॉप कर जाते हैं, यही वाला कोड मैं अपडेट करके आपको सेंड कर दूंगा, तो आपने इस कोड को यहाँ से देख लेना, नेक्स्ट क्लास में इस कोड को रन करके जहाँ एरर है वो सॉल्व करा देंगे, ठीक है भाई।